नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाइवी तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव नरंजन, उम्मीद करता हूं कि खुशखबरी आपको मिल गई होगी। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और आप कमर बांध लीजिएगा अपनी, एकदम से तैयार हो जाइएगा इस जंग को लड़ने के लिए और इस जंग को जीतने के लिए। आपके साथ हमारा संस्थान टारवी तालुक एकदम प्रतिबद्ध है आपकी सफलता, आपको सफलता दिलाने के लिए, आपकी बेहतर तैयारी कराने के लिए। ठीक है, चलिएगा। तो जितने लोग भी हैं जो ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो ऐप है, हमारे ऐप का लिंक लगा हुआ है, आप उससे अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। और जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको स्टोर दिखाई देगा, स्टोर पर आप क्लिक कीजिएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, आपका मैथमेटिक्स हो, अंग्रेजी हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका, जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिनकी क्लासेस चल रही थी, ठीक ना, वो आपको बता सकते हैं कि कितनी ईमानदारी पूर्वक आलोक सर और रवि सर के निर्देशन में क्लासेस संचालित की जा रही है। मैंने इसके पहले भी आपको ज्योग्राफी के दो डेमो दिए थे और एक तीसरा डेमो है, और इस डेमो में हम जो आपसे बात करना प्रारंभ कर रहे हैं वो कर रहे हैं विश्व के जलवायु प्रदेश से। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व के जलवायु प्रदेश। विश्व के जलवायु प्रदेश, तो अगर विश्व के जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो विश्व में कई सारे जलवायु प्रदेश हैं, जैसे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश, सवाना जलवायु प्रदेश, टैगा जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, यूरोपियन तुल्य जलवायु प्रदेश, कई सारे जलवायु प्रदेश हैं। तो एक एक से इन्हीं जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया जाएगा और विश्व के जलवायु प्रदेशों में हम आज जिस जलवायु प्रदेश की बात आपसे कर रहे हैं उस जलवायु प्रदेश का नाम है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। अगर हम विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है। तो विषुवत रेखीय जो जलवायु प्रदेश है, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक ही है। यानी अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर और दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री साउथ तक विषुवत रेखीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। आइएगा इसी को समझते हैं हम लोग। देखिएगा, मान लीजिएगा ये आपकी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर यहां पर एक काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो विषुवत रेखा है और यहां पर जो अक्षांश होता है ये उत्तरी ध्रुव होता है जिसका मान 90 डिग्री N है, और यहां पर होता है दक्षिणी ध्रुव जिसका मान होता है 90 डिग्री S। और यहां पर 0 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, तो यहां से लेकर 10 डिग्री तक का क्षेत्र, तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो N हो गया, और यहां से लेकर यहां तक का 10 डिग्री तक का क्षेत्र ये दक्षिण में है तो ये साउथ हो गया। तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को हम विषुवत रेखीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ये आपका हो गया विषुवत रेखीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो हमने पहली बात की विषुवत रेखीय क्षेत्र की। ठीक ना, ये जो आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इसके पहले जो मैंने आपको डेमो दिए हैं उन्हीं के आधार पर मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर आपका सूर्य है, यहां पर आपका सन है, और ये बात मैं आपको बताया हूं कि विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती हैं। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत पड़ने के कारण ही यहां का तापमान जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। यदि अक्षांश रेखाओं की बात हम करते हैं तो अक्षांश रेखाओं में कहां पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, तो यह सर्वाधिक तापमान पाया जाता है विषुवत रेखा पर। कहां पाया जाता है? विषुवत रेखा पर। आपके टीजीटी पीजीटी में 3 बार प्रश्न पूछा गया है।
कि ग्लोब पर एक बार उसने ग्लोब पूछ लिया, एक बार विश्व पूछ लिया और एक बार उसने पृथ्वी पूछ ली, एक ही बात है। तो ग्लोब पूछे या पृथ्वी पूछे या विश्व पूछे, सर्वाधिक तापमान या सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति कहां पर होती है? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है, विषुवत रेखा पर होती है। अगर विषुवत रेखीय क्षेत्र ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर क्या ऑप्शन में मिलेगा आपको? विषुवत रेखा। ठीक है, यहां देखिए, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी हैं? लंबवत रहती हैं, और सूर्य की किरणें लंबवत रहने के कारण यहां का जो तापमान है वो तापमान क्या है? अधिक है। यहां का तापमान जो है वो अधिक है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर किसी एक समय में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, बल्कि यहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें लंबवत वर्ष भर पड़ती है। अब आप ही बताइएगा, यदि सूर्य की किरणें यहां पर वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं तो वर्ष भर तापमान अधिक रहेगा, और वर्ष भर तापमान अधिक रहने के कारण ही चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, यहां पर मौसम संबंधित विविधताएं नहीं पाई जाती हैं। यहां पर मौसम संबंधित विविधताओं के ना पाए जाने का कारण क्या है? सूर्य की किरणों का लंबवत पड़ना, हमेशा तापमान का एक समान रहना, हमेशा तापमान का एक समान रहना। और हमेशा जब तापमान एक समान रहेगा तो यहां का जो वार्षिक तापमांतर है, वार्षिक तापमांतर वो कैसा हो जाएगा? वार्षिक तापमांतर यहां पर नगण्य पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये बन गया, जितने भी क्वेश्चन है उनको हम मार्क करते जा रहे हैं। वार्षिक तापमांतर नगण्य पाया जाता है कहां पर? ऐसा पूछेगा किस जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापमांतर नगण्य पाया जाता है। तो सबसे पहले हम वार्षिक तापमांतर का अर्थ क्या है? तापमांतर यानी तापमान में अंतर। तापमान में अंतर जब हो सकता है तब 6 महीने यदि टेम्परेचर अधिक रहता है और 6 माह जो है टेम्परेचर कम रहता है। एक बार अधिक हो जाएगा 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए यदि तापमान कम हो जाएगा तो उन तापमानों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में चूंकि वर्ष भर एक समान तापमान पाया जाता है, और वर्ष भर एक समान तापमान के पाए जाने के कारण यहां का जो वार्षिक तापमांतर है वो कैसा पाया जाता है? वो नगण्य पाया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज और बताई कि तापमान अधिक होने के कारण यहां पर या वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण, वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण मौसम संबंधित या मौसमी घटनाएं, और यहां पर मौसमी घटना न लिखकर मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर ऋतु परिवर्तन की घटनाएं घटित नहीं होती है। मौसम न कहके मैं ऋतु कह रहा हूं, यहां पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहां पर 6 महीने तक या 3 महीने तक गर्मी रहे और 3 महीने तक सर्दी रहे। वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, और वर्ष भर उच्च तापमान के कारण ही यहां पर ऋतु संबंधित कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जितने भी चीजें अभी तक हम आपको समझाए हैं, ये सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक ना, एक बार हम फिर रिवाइज कराता हूं। अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो विषुवत रेखीय क्षेत्र का विस्तार देखते हैं, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 10 डिग्री से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री तक होता है। यानी 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम विषुवत रेखीय क्षेत्र कहते हैं। और विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, और वर्ष भर लंबवत पड़ने के कारण यहां पर तापमान अधिक होता है। साथ ही साथ चूंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण से यहां का जो वार्षिक तापमांतर है, वर्ष के जो तापमान का डिफरेंस है वो एकदम नगण्य रहता है। चाहे जनवरी का टेम्परेचर ले लीजिएगा, चाहे फरवरी का टेम्परेचर ले लीजिएगा, हमेशा तापमान क्या रहेगा? हमेशा तापमान एक समान रहता है।
इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वार्षिक तापमान अंतर यहाँ का नगण्य पाया जाएगा और साथ ही साथ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन की घटनाएं घटित नहीं होती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋतु परिवर्तन की घटनाएं कहाँ पर घटित नहीं होती हैं, तो ऋतु परिवर्तन की घटनाएं विषुवत रेखीय क्षेत्र में घटित नहीं होती है। कहां पर घटित नहीं होती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में यहां पर घटित नहीं रहती है। अब अगला देखिएगा, इसी में एक पॉइंट और, सूर्य की किरणें यहां पर लंबवत पड़ती हैं, तापमान अधिक है, तो अगर यहां पर एक क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, यानी कभी हो सकता है कि एक दो डिग्री टेम्परेचर कम हो जाए या एक दो डिग्री टेम्परेचर अधिक हो जाए बादलों के कारण, यहां पर बादल भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, अभी सब कुछ आपको समझाएंगे। तो यदि हम यहां की बात करते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र के अगर हम औसत वार्षिक तापमान की बात करते हैं, तापमान तो यहां का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। औसत वार्षिक तापमान विषुवत रेखीय क्षेत्र का कितना पाया जाता है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान जो है वो कितना पाया जाता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। तो ये सारी विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषताएं हो गई। और देखिएगा, चूंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक पाया जाता है और तापमान अधिक पाए जाने के कारण, तापमान अधिक पाए जाने के कारण जो धरातल है, धरातल पर भी तापमान पड़ेगा और उस क्षेत्र में जो भी 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के मध्य में जो भी सागर, महासागर, झील, कूप कुछ भी पाए जाएंगे, तो जल पर भी सूर्य की जब किरणें पड़ेंगे तो वहां से पर्याप्त मात्रा में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, परिणाम स्वरूप यहां पर तापमान अधिक होने के कारण आर्द्रता की मात्रा भी क्या हो जाती है, पर तापमान अधिक होने के कारण यहां पर आर्द्रता की मात्रा भी अधिक हो जाती है। और वायुमंडल में जब आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है तो यहां पर उमस, उमस भरा मौसम पाया जाएगा, ठीक ना। देखिएगा, फिर समझिएगा, यदि तापमान अधिक है तो जल जो है, जल का जैसे ही टेम्परेचर अधिक होगा तो वहां से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बाद जो वायु है, वायुमंडल में जो वायु है उस वायु में आर्द्रता आ जाती है, इसलिए मैंने लिखा कि तापमान अधिक होने पर आर्द्रता अधिक हो जाएगी और जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक पाई जाती है तो वहां पर जो मौसम है वो उमस भरा रहता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि उमस भरा मौसम किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, तो उमस भरा मौसम जो है वो जिस जलवायु प्रदेश की विशेषता है उसका नाम क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। समझ रहे ना, तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है सारी चीजों को, इस प्रकार से आपको सारी चीजों से पढ़ना है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी पीसीएस की वैकेंसी से कम नहीं होती है, उतना ही लेंथी सिलेबस होता है, उतने ही डीपली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हवा हवाई में नहीं रहना है कि बस हमने ऊपर ऊपर चीजें पढ़ ली हैं और ऊपर ऊपर चीजें पढ़ने के कारण हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रहना है, आपको कभी भी इस गलतफहमी में नहीं रहना है, ठीक ना। दूसरी चीज समझिएगा, ये पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम समझाते हैं आपको, जो तापमान है, तापमान का प्रेशर से विपरीत संबंध होता है, तापमान का प्रेशर से विपरीत संबंध होता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहां पर लो प्रेशर का विकास हो जाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक होने के कारण लो प्रेशर का विकास हो जाता है और टेम्परेचर अधिक होने के कारण ही इस क्षेत्र में जो हवा है या इस क्षेत्र में जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं कैसी हो जाएंगी, टेम्परेचर अधिक होने के कारण वह हवाएं गर्म हो जाएंगी और जब हवा गर्म होती है तो उन हवाओं में जब हवाएं गर्म हो जाएंगी तो हवा हल्की होती है और हल्की हवा जो होती है वह आयतन अधिक मात्रा में घेरती है, हल्की हवा आयतन जो है अधिक मात्रा में घेरती है। साथ ही साथ यदि हवाएं हल्की हैं तो आयतन तो अधिक मात्रा में घेरेंगी ही, साथ ही साथ यह ऊपर उठती हैं, साथ ही साथ ये कहां पर उठती हैं, साथ ही साथ जब हवाएं हल्की हो जाती हैं
गर्म हो जाती हैं तो हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है आरोहण। क्या नाम दिया जाता है? आरोहण की प्रक्रिया या आरोहण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, वहां पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पर हवाओं का अवरोहण होता है, हवाओं का आरोहण होता है, हवाओं का अवतलन होता है। तो यहां पर जो हवाएं हैं वो गर्म होने के बाद ऊपर उठती हैं, इसको क्या नाम दिया जाता है? जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो इसको आरोहण कहा जाता है, और साथ ही साथ जब हवाएं बहुत तेज गति से ऊपर उठने लगती हैं तो इसी को एक नाम और दिया जाता है, जब हवाएं तेज गति से ऊपर उठती हैं इस प्रक्रिया को संवहन की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहन की प्रक्रिया कहा जाता है। और संवहन की प्रक्रिया के माध्यम से जब वर्षा होने लगती है तो उस वर्षा को हम किस नाम से जानते हैं? संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। मैं समझाता हूं किस प्रकार होती है। तो एक क्वेश्चन हमें मिल गया कि संवहनीय वर्षा जो है वो किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, तो संवहनीय वर्षा जो है वो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की क्या है? विशेषता है। ठीक ना, देखिएगा, अगर हम संवहनीय वर्षा की बात करते हैं तो होता क्या है, देखिएगा, समझिएगा। यहां पर ये आपका धरातल है, ये आपका धरातल है, और जैसे ही धरातल का टेम्परेचर अधिक होगा तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं, और जब तेज गति से उठने लगती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं संवहन की प्रक्रिया। और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो अपने साथ जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कहां पर लेकर चली जाती है? ऊपर की ओर एनर्जी को लेकर चली जाती है। तो हवाएं गर्म होकर जब ऊपर उठती हैं इस प्रकार से, तो इसे हम संवहन की प्रक्रिया कहते हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब हवाएं ये ऊपर उठेंगी तो इस मंडल में या विषुवत रेखीय क्षेत्र में आर्द्रता भी पाई जाती है, तो उस आर्द्रता में जब ये हवाएं मिलती हैं तो संघनन का प्रोसेस हो जाता है, और संघनन के प्रोसेस होने के बाद यहां पर वर्षा हो जाती है, और यहां पर जो ये संवहन के द्वारा जो वर्षा हो रही है इस वर्षा को एक नाम दिया गया, संवहनीय वर्षा। क्या नाम दे दिया गया? संवहनीय वर्षा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संवहनीय वर्षा कहां की विशेषता है, तो संवहनीय वर्षा जो है वो कहां की विशेषता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषता है। अगर हम संवहनीय वर्षा की विशेषताओं की बात करें तो सामान्यतः यह 12 से 4 डेली 12 से 4 पीएम पर होती है। मतलब संवहनीय वर्षा जो है वो प्रतिदिन होती है, संवहनीय वर्षा प्रतिदिन होती है, और कब? 12 से 4 के मध्य में होती है प्रतिदिन, क्योंकि डेली टेम्परेचर बढ़ रहा है, उतना ही तापमान है प्रतिदिन। तो हवाएं गर्म होगी, ऊपर उठेंगी, आर्द्रता ग्रहण करेंगी, और क्या होगा? संघनन का प्रोसेस होगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगी? वर्षा। तो संवहनीय वर्षा डेली होती है। तो प्रतिदिन वर्षा किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है। और सामान्यतः यह वर्षा दोपहरी के बाद अधिक होती है, 12 से 4 या 2 से 4 के मध्य में यह वर्षा बहुत होती है। साथ ही साथ यह संवहनीय वर्षा तेज गति से कम समय के लिए, कितना? 2 से 4 ही है, तेज गति से कम समय के लिए, कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में होती है। ठीक ना, तो यह वर्षा प्रतिदिन होती है, 12 से 4 के मध्य में होती है, तेज गति से कम समय के लिए, और एक सीमित क्षेत्र में होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है वो कहां कहां पर, किस किस महाद्वीप में, अभी मैं चर्चा करूंगा आपसे, और चर्चा तब करूंगा तब सारी विशेषताएं आप समझ जाएंगे, और इन विशेषताओं को आप उस रीजन में जहां पर जलवायु प्रदेश पाया जा रहा है वहां पर इसको आप क्या करेंगे, वहां पर इसको व्यवस्थित कर पाएंगे, और वहां के जलवायु कंडीशन, वहां के जलवायु दशाएं आप समझ पाएंगे। ठीक है,
तो सामान्य वर्षा होती है प्रतिदिन 12 से 4 पीएम पर होती है, इसके मध्य होती है और तेज गति से होगी, कम समय के लिए होती है और सीमित क्षेत्र में होती है, सीमित क्षेत्र में होती है, पूरे क्षेत्र में अभी वर्षा नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो यहां पर मैं एक पॉइंट यहां पर और लिख ले रहा हूं, यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख ले रहा हूं, थोड़ा इसको चलिए मैं यहां पर एक पॉइंट और बना लेता हूं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण वर्षा अधिक मात्रा में होती है, और यहां पर जो वर्षा अधिक मात्रा में होती है साथ ही साथ यहां पर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो कन्वेंशन रेन यानी संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है, ठीक ना। अगली बात और समझिएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में किस क्षेत्र में? विषुवत रेखीय क्षेत्र में, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण वर्षा अधिक होती है, और किस फॉर्मेट में होती है? सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा की विशेषता है सीमित क्षेत्र में तेज गति से कम समय के लिए होती है, तो वर्षा की मात्रा अधिक होती है, और वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण यहां पर वनस्पति का अधिक विकास होता है, वनस्पति का विकास अधिक होगा। जाहिर सी बात है कि वर्षा हो रही है तो वहां पर वनस्पति का विकास अधिक होगा। अब दिमाग में एक प्रश्न मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि आपके दिमाग में एक प्रश्न जनरेट हो, सर किस प्रकार की वनस्पति का विकास होगा? तो बाबू यहां पर जो वनस्पति का विकास होता है, यहां पर अधिक वर्षा होने के कारण यहां पर सदाबहार वनस्पति का विकास होता है। किस प्रकार की वनस्पति का विकास होता है? तो यहां पर सदाबहार वनस्पति का विकास होता है। सदाबहार वनस्पति की विशेषता यह है कि हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं वृक्ष। कुछ समय में पत्ते गिराते हैं, उसके बाद और समय के बाद कुछ वृक्ष पत्ते गिरा देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिएगा बहुत सारे वृक्ष हैं, कुछ अपनी पत्तियां जनवरी में गिराएंगे, कुछ अपनी पत्तियां फरवरी में गिराएंगे, कुछ अपनी पत्तियां मार्च में गिराएंगे। तो जो पत्ती अपनी जनवरी में गिरा देता है उसकी फरवरी में वापस आ जाती है, जिस कारण से हमेशा कैसे दिखाई देते हैं? हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, और हरे भरे दिखाई देने के कारण ही इन्हें क्या नाम दे दिया गया? सदाबहार। सदाबहार वनस्पति की विशेषता की बात करें तो इनकी जो पत्ती है वो चौड़ी होती है, चौड़ी पत्ती पाई जाती है। इनकी पत्ती जो है, इनकी या पत्तियां बात करें तो इनकी जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं? चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। पीसीएस में इस बार ही क्वेश्चन पूछा गया था सदाबहार वनों में किस प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, तो चौड़ी या नुकीली, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो यहां पर चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? चौड़ी। चूंकि वर्षा अधिक हो रही है इसलिए यहां पर वनस्पति का विकास हुआ है, और ये जो सदाबहार वन है, हमेशा याद रखिएगा सदाबहार वन जो है वो बहुत ज्यादा सघन वनस्पति होते हैं, और सघन वनस्पति होते हैं। अगर हम यहां पर एक शब्द और लें वनस्पति, तो ये वनस्पति उत्पादक होता है, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेगा, और जब ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं करेगा तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो भी जीव जंतु होंगे वो इसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे। तो ना केवल यहां पर सघन वनस्पति पाई जाती है, बल्कि यहां पर अधिक मात्रा में जीव जंतुओं की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और याद कीजिएगा, आज से पहले यदि आपने कभी भी मेरा लेक्चर पढ़ा हो पब्लिक एनवायरमेंट का, तो मैंने आपको यह समझाया है कि एक शब्द मैंने बताया था डब्ल्यूसी रोजेन महोदय के द्वारा दिया गया है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जिसमें मैंने बताया था जैव विविधता का अर्थ एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कई प्रकार के पेड़ पौधे, कई प्रकार की जीव जंतु पाए जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है? इसी को हम नाम देते हैं जैव विविधता। तो यहां पर सघन वनस्पति पाई जाएगी, साथ ही साथ यहां पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और जब जीव जंतुओं की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम उपभोक्ता कहते हैं, ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं,
बल्कि ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, उत्पादक से। तो उत्पादक और उपभोक्ता यानी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की संख्या अधिक पाए जाने के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। विश्व की लगभग 70% जैव विविधता केवल विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही पाई जाती है। विश्व की लगभग 70% जैव विविधता है वो कहां पाई जाती है, वो केवल और केवल यहीं पर पाई जाती है। कहां पर? तो ये पाई जाती है आपकी विषुवत रेखीय क्षेत्र में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र में, अगर यहां की बात कर रहे हैं तो विश्व की लगभग 70% जैव विविधता। जैव विविधता वाला क्षेत्र, जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन? विषुवत रेखीय क्षेत्र। ये पूरा इसी प्रकार से आपको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है। एक पॉइंट को आपको दूसरे पॉइंट से जोड़ना है, एक पॉइंट को आपको दूसरे पॉइंट से जोड़ देना। अगर एक पॉइंट को आप दूसरे पॉइंट से जोड़ देंगे तो आपको कहीं पर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है? आराम से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है? अब देखिएगा, यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा गया टीजीटी पीजीटी में। चक्रवात किस जलवायु प्रदेश में उत्पन्न नहीं होते हैं? चक्रवात किस जलवायु प्रदेश में उत्पन्न नहीं होते हैं? तो बाबू मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चक्रवात सभी जलवायु प्रदेशों में उत्पन्न होते हैं, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर चक्रवात का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। तो चक्रवात विषुवत रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, कैसे? देखिएगा, समझिए चीजों को। ये आपकी पृथ्वी रही और यहां पर 0 डिग्री है और यहां पर 30 डिग्री है नॉर्थ और यहां पर 30 डिग्री साउथ है। यहां पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक होता है और टेम्परेचर के अधिक होने के कारण यहां पर लो प्रेशर बनता है। इसकी अपेक्षा विषुवत रेखीय क्षेत्र की अपेक्षा 30 डिग्री पर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए यहां पर हाई प्रेशर बनता है। यहां पर भी टेम्परेचर विषुवत रेखीय क्षेत्र की अपेक्षा यहां टेम्परेचर कम होता है और यहां पर भी कौन सा प्रेशर बनता है? तो यहां पर भी आपका जो प्रेशर बनता है उस प्रेशर का नाम क्या है? हाई प्रेशर। उस प्रेशर का नाम क्या है? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जब बन जाते हैं तो हाई और लो प्रेशर बन जाने के कारण ही पवन की उत्पत्ति होती है। जो पेड़ विद्यार्थी हैं, जो जिन्होंने एडमिशन सुनिश्चित करा लिया था और जिनकी क्लासेस चल रही थी, उनको मैं बताया हूं वायुदाब प्रवणता क्या होती है। वायुदाब प्रवणता का अर्थ होता है कि जब दो विपरीत दाब मिलते हैं तो वायुदाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर उत्पन्न हो जाती है, इसी को वायुदाब प्रवणता बोलते हैं, ठीक ना? अब देखिएगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवने चलती है। तो क्या हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे पवने चला सकते हैं? भाई मैंने तो यही कहा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इस प्रकार से हम पवने चला देते हैं, लेकिन इस प्रकार से पवने नहीं चलती हैं, ये गलत मेथड है। फेरल के नियमानुसार जो उत्तरी गोलार्ध है यहां पर जो पवने हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं और यहां पर पवने जो हैं दक्षिणी गोलार्ध में वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। लेकिन एक और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाला एक बल है जिसका नाम है विक्षेपक बल या कोरिओलिस बल। विक्षेपक बल है एक प्रकार का कोरिओलिस बल, और कोरिओलिस बल जो होता है, कोरिओलिस बल का फॉर्मूला होता है CF(2sin θ) कोरिओलिस फोर्स है। अब यदि 0 डिग्री पर है तो इस थीटा की जगह हम 0 डिग्री रख देंगे तो ये हो गया 2sin0 और कोरिओलिस फोर्स में इसका गुणा कर दिया जाता है तो साइन जीरो का मान तो 0 है, तो ये पूरा का पूरा जो संख्या है यहां पर वो कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो कोरिओलिस बल है, पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला विक्षेपक बल कोरिओलिस बल, उसका प्रभाव नगण्य रहता है। उसका प्रभाव यहां पर क्या रहता है? उसका प्रभाव यहां पर नगण्य रहता है। तो सबसे पहले अगर फेरल महोदय की बात के अनुसार देखें
तो यहां पर जो पवने हैं वो इस प्रकार से चलती हैं। ये जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। कौन सी पवन है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहां पर इस प्रकार से चलती है एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से चलती हैं। कैसे चलती हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है, ठीक ना। तो व्यापारिक पवने जो है वो 30 डिग्री से स्टार्ट होती है और 0 डिग्री की ओर आती है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है। तो सबसे पहले व्यापारिक पवन, फिर पछुआ पवन, और उसके बाद मिलती है हमें ध्रुवीय पवने। तो जैसे ही ये व्यापारिक पवन है विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर आती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र पर जो है कोरियोलिस बल शून्य रहता है, और कोरियोलिस बल के शून्य होने के कारण ये पवन यहां पर सीधी चलने लगती है। ये पवन यहां पर सीधी चलने लगती है, इस प्रकार से मुड़ती नहीं है, बल्कि विषुवत रेखा के समीप आने पर ये पवन ऐसे सीधी चलने लगती है। अगर बात करें किन अक्षांशों के मध्य, तो लगभग 5 डिग्री साउथ से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ के मध्य ये पवन जो है वो तिरछी नहीं चलती है, ये उत्तर पूर्व दिशा में और ये दक्षिण पूर्वी दिशा में नहीं चलती है, बल्कि हवाएं जो है ये पवन जो है वो क्षैतिज चलने लगती है। और जब पवन क्षैतिज चलेंगी तो यहां पर केवल हवाएं सर सर बहती रहेंगी, कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होगी। मौसमी घटना तभी घटित होगी जब पानी या जब हवाएं गर्म होकर कहां उठती हैं, ऊपर उठती हैं। तो इस वाले क्षेत्र में जब हवाएं सरसर करते हुए सीधी चलने लगेंगी तो यहां पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। इसलिए इस वाले क्षेत्र को नाम दिया गया शांत पेटी या डोल ड्रम। क्या नाम दे दिया गया? शांत पेटी या डोल ड्रम। तो इसको एक नाम दे दिया गया, शांत पेटी या डोल ड्रम। कई बार प्रश्न पूछा गया, यहां तक कि सिविल सर्विसेज के पीटी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डोलड्रम का विस्तार कहां पर पाया जाता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ। तो शांत पेटी या डोलड्रम में मैंने कहा यहां पर मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, और यहां पर मौसमी घटनाएं न घटने का कारण क्या है कि जो यहां पर सीएफ है, कोरियोलिस बल है, उसका मान कितना होता है? उसका मान शून्य होता है। इसलिए यहां पर हवाएं क्षैतिज चलने लगती हैं। इनको प्रति विषुवत रेखीय हवाएं कहते हैं, या विषुवत रेखीय पछुआ पवन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये सीधी सीधी चलने लगती है, ये डोलड्रम है। अब जब यहां पर कोई भी मौसम संबंधित घटना घटित नहीं होगी तो क्या यहां पर चक्रवात उत्पन्न हो सकता है? चक्रवात उत्पन्न नहीं हो सकता है। चक्रवात की हम बात करते हैं तो चक्रवात देखिएगा, चक्रवात में दो शब्द है, चक्र और बात। इस बात का अर्थ है वायु। जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो इसे वायु कहते हैं, और जब हवाएं क्षैतिज चलती हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम दिया जाता है पवन। क्या नाम दिया जाता है? पवन। और चक्र का मतलब है चक्राकार, यानी जब वायु चक्राकार रूप में ऊपर उठती है तो इसी के द्वारा किसका निर्माण हो जाता है? चक्रवात का निर्माण हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के मध्य में हवाएं ऊपर नहीं उठ रही हैं, बल्कि क्षैतिज चल रही हैं। इसलिए यहां पर मौसमी घटनाएं घटित नहीं होंगी। इसलिए इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है चीजें? बोलेगा स्पष्ट है चीजें। तो मैंने विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो जो विशेषताएं बन सकती थी वो मैंने आपको सब बता दी। अगर इनकी विशेषताओं को एक नजर में हम देखते हैं तो इनकी विशेषताओं में क्या आ जाएगा कि यहां पर सम्मानीय वर्षा होती है, वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, लो प्रेशर का निर्माण होता है, 0.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के मध्य में मौसम संबंधित घटनाएं घटती हैं, डोलड्रम का निर्माण होता है, चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, सम्मानीय वर्षा होती है, तेज गति से सीमित क्षेत्र में 12 से 2 के बीच में या 12 से 4 के मध्य में होती, कई बार 12 से 2 आ जाता है, कई बार 12 से 4 आ जाता है। समझ रहे ना? ये सारी चीजें हैं। विस्तार कहां से कहां तक है विषुवत रेखीय क्षेत्र का? तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ। अब इसमें एक पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है अब उसको समझाना है, और साथ ही साथ तापमान अधिक होने के कारण वर्षा अधिक होती है, जिस कारण से यहां पर सदाबहार वनस्पतियों का विकास हुआ है। अब हम देखते हैं विश्व में कहां पर ये क्षेत्र पाए जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये डायग्राम है आपका,
ये डायग्राम है जो आपको ये रेखा दिख रही है, ये 0 डिग्री अक्षांश है आपका, और ये आपका जो है ये आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा है आपकी, लेकिन हमें कर्क रेखा के नीचे वाला क्षेत्र देखना है, तो लगभग लगभग ही ठीक ना, लगभग ही। अगर हम इसकी बात करते हैं ए वाला रीजन सर कौन सा है, तो ए वाला रीजन आप देख रहे हैं यहां पर अमेजन घाटी का क्षेत्र है, अमेजन घाटी का क्षेत्र। इस वाले रीजन की बात करें तो यहां पर कांगो जायरे नदी का क्षेत्र है। कांगो जायरे नदी एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और साथ ही साथ यहां पर गिनी का तट है। गिनी के तट पर हमेशा उमस बनी रहती है, इसलिए वहां पर एक पवन चलती है जिनके कारण रात भर कार्य किया जाता है। उन पवनों को हम डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। यहां पर दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है ये, आपका देखिएगा इंडोनेशिया का क्षेत्र इसमें आ जाता है, ये आपका इंडोनेशिया का गिनी, यहाँ पर इंडोनेशिया पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर आपका वियतनाम का क्षेत्र आ जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर आपका क्या है अमेजन नदी घाटी है, यहाँ पर कांगो नदी घाटी है, यहाँ पर गिनी का तट है। तो ये सारे क्षेत्र जो है वो विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है, और जितनी भी विशेषताएं हमने विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की आपको बताई है, आप यहाँ पर उन सारी विशेषताओं को आराम से डाल सकते हैं, आप आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं, या कितने भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनके आंसर दे सकते हैं। इन क्षेत्रों में तापमान अधिक रहेगा, वर्षा अधिक रहेगी, सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी, संवहनी वर्षा होगी, तेज गति से सीमित क्षेत्र में कम समय के लिए, तेज गति से सीमित क्षेत्र में कम समय के लिए, ये सारी यहाँ की विशेषता हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अब हम एक एक से आपसे कहेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, पहला इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दूसरा ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तीसरा यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चौथा यहां पर स्क्रीन देखिएगा। यहां पर एक चीज और, जैसे मैंने कहा यहां पर कि वार्षिक तापमान तो नगण्य रहेगा, लेकिन यहां का दैनिक तापमांतर, अगर दैनिक तापमांतर की बात करें तो मैंने कहा कि लगभग वर्ष भर तापमान एक समान रहता है, दिन और ऊष्मा दिन में आती है, दिन में ऊष्मा आती है, रात में ऊष्मा चली जाती है, तो दैनिक तापमांतर यहां पर सर्वाधिक होगा। दैनिक तापमांतर यहां पर क्या है, सर्वाधिक होगा, लेकिन वार्षिक तापमांतर नगण होगा। दिन में सतह ऊष्मा को अवशोषित करती है, रात में पूरा उसको परावर्तित कर देती है। ठीक ना, तो दैनिक तापमांतर यहां का क्या होगा, तो यहां पर का दैनिक तापमांतर होगा वो अधिक होता है। ठीक ना, रातों में इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल जाती है कि रात में ही ठंडक सी महसूस लगने लगती है, रात में ही ठंडक सी महसूस लगने लगती है, इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र की जो रातें हैं उन्हीं को शीतकाल की रात कहा जाता है, या शीत रातें कहा जाता है। ठीक ना, एक ये हो गया आपका, अगला आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और सबसे बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक ना, इसके आगे भी कुछ है, चलिए बस। ठीक ना, तो आज का ये लेक्चर रहा, बकाया जो हमने इंफॉर्मेशन दी है नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐप का, आपके जो ऐप है टर्व तालुक का, उसकी लिंक लगी हुई है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टोर पे जाइएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप वहां से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छी संस्थान है, आप लोग सभी जान रहे हैं इस बात को, जो भी आपके सहयोगी हैं उनको भी लाइएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि कई लोगों में खुशी की लहर दौड़ी होगी कि टीएचडी पीएचडी की वैकेंसी आ गई है, ठीक फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, तो अब जिसका इंतजार आप पिछले 3 साल से कर रहे थे वो आपको मिल गया है। उसके लिए आप अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, कभी कभार लोग कहते हैं ना कि गोल्डन चांस क्या होता है, तो ये शायद आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, जिसके जो लोग इसके विषय में हमेशा सोचते थे या जो अब सोचने पे मजबूर हो गए। जैसा कि आप जानते हैं हमारी संस्था के द्वारा डीएचडी पीएचडी की बैच चलाई जा रही है। नीचे पे क्या है, नीचे स्लाइड में आपको लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे या आप प्ले स्टोर से जाकर आप टारगेट विद आलोक का ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और हमारे टीएचडी पीएचडी के जितने भी कोर्सेज, जितने भी सब्जेक्ट चलाए जा रहे हैं वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके साथ साथ और भी जो हमारे यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं वो भी सब आपको वहां से, आपको उस ऐप से पता चल जाएगा। जैसा कि बात करते हैं टीएचडी पीएचडी का, हमने कई अपने प्रमोशन क्लास में बातें क्लियर की थी कि हम हमेशा आप चीजों को फोकस करते हैं दूसरे तरफ, लेकिन हम उसके गहन अध्ययन को नहीं जानते।
आपके सिलेबस में अभी तक जब तीन बार एग्जाम का जो मैंने उसमें मूल्यांकन निकाला था, उसमें ये निकला था कि जो सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं वो सर्वाधिक सवाल प्राचीन भारत से आते हैं और सवाल पूछने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। हमारे द्वारा जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो सिर्फ पढ़ाई नहीं जाएंगी, चीजों को पढ़ना है, साथ में लिखना है, समझना है और उससे जुड़े हुए सवाल करने हैं। अगर आप इतिहास की क्लास में पूरे के पूरे अगर आपको मैं 1200 सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक, तो आपका ऑटोमेटिक 70% सब्जेक्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये मेरा दायित्व है कि मुझे आपको कैसे सवाल करवाने हैं टॉपिक वाइज, कैसे कंप्लीट करवाना है, कहां से सवाल बनाना है, किस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाएंगे, सारी चीज की तैयारी हम करवाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ताम्रपाषाण काल। ये भी एक इतिहास के प्रगतिशील युग का ही टॉपिक है जिसको हम ताम्रपाषाण काल से नाम से जानते हैं। मुद्दा यह है कि ताम्र और पाषाण ये दो शब्द बन क्यों रहे हैं, बनते कैसे हैं। देखिए, चीजों को एकदम लॉजिकली चलते हैं, शून्य से शिखर तक जो कि कहा जाता है। मुद्दा क्या है कि अगर कहा जाए कि विश्व में सबसे पहले जो तांबे का प्रयोग पाया गया या साक्ष्य पाया गया वो इराक से पाया गया, ठीक है, सुमेराई नगर से पाया गया इराक से, लेकिन भारत में जो तांबे की शुरुआत मानी जाती है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। रीजन क्या है कि तांबे के औजारों या तांबे के सामान के साथ साथ इस समय पत्थर के औजार भी प्रयोग हो रहे थे, जिसके कारण तांबे की वस्तुएं और तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के औजार दोनों को मिलाकर इस टाइम पीरियड का नाम रख दिया गया ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंत के बाद ही तुरंत किसका उदय हो जाता है, ताम्रपाषाण काल का। जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपसे कहा कि ये प्रागैतिहासिक युग में आता है, मतलब यहां से कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं पाया गया, तो हम इन चीजों को जो साक्ष्य हमको जगह जगह से मिले हैं उन साक्ष्य को हमने आधार बनाया है और उस साक्ष्य को आधार बनाकर हम इसका एक टाइम पीरियड निकाले हैं और एक टाइम पीरियड के साथ हम इसका अध्ययन करते हैं। जनरली ताम्रपाषाण काल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो गार्डन चाइल्ड की पुस्तक व्हाट हैपेंड इन इंडियन हिस्ट्री में मिलती है, जिसमें उन्होंने तांबे के बारे में पूरी जानकारी दी है। ताम्रपाषाण काल की जो सबसे बड़ी खास बात है वो तो तांबे की खोज तो है ही है, तांबे का प्रचलन तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है कि इसी समय चाक पर निर्मित मृद भांड की शुरुआत हुई और ताम्रपाषाण काल की जो सबसे जरूरी मृद भांड आता है वो है गैरिक मृद भांड, जिसमें लाल रंग के मृद भांड पर काले रंग से डिजाइन की हुई है या अलग अलग जगह पर कहीं पर सफेद रंग से भी पाई गई है, तो OCP जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अर्थात गैरिक मृद भांड जो है ये सबसे बड़ी विशेषता है किसकी, ताम्रपाषाण काल की। भारत में जो सबसे पहले तांबे का साक्ष्य पाया गया वो कानपुर के बिठूर जिले में पाया गया 1822 में, जिसमें तांबे के बर्छे मिले थे, ठीक। लेकिन सर्वाधिक जो तांबे का साक्ष्य पाया गया वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया जिले से पाया गया, जहां से लगभग 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के भी उपकरण पाए गए। तो जब ये जहां जहां से भारी मात्रा में ये तांबे के उपकरण मिलते गए उन जगहों का अध्ययन किया गया, उन जगहों की खोज की गई और उनके आधार पर ताम्रपाषाण काल को कई भागों में बांट दिया गया, जैसे आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, बानस संस्कृति, जोरवे संस्कृति, निवासा संस्कृति, इन तमाम संस्कृतियों का विभाजन हुआ और ये तमाम संस्कृति किसके अंतर्गत आती हैं, ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत। तो यहां से हमारा जो पहला डाउट ये क्लियर हुआ कि इस चैप्टर का नाम या इस टॉपिक का नाम ताम्रपाषाण काल क्यों पड़ा। उसके साथ क्या हुआ कि जब तांबा एक जगह से पाया गया तो लोगों में उत्तेजना हुई कि और जगह से भी मिल सकता है, और जगह भी खुदाई चालू हुई, तो कई जगह से तांबे के साक्ष्य पाए गए, जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई स्थान है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कई स्थान है, महाराष्ट्र में कई स्थान है, और महाराष्ट्र में इनाम गांव और दैमाबाद दो ऐसे हैं जहां पर वो हिस्से जो थे वहां पर नगरीकरण होने लगे। क्योंकि ताम्रपाषाण काल की अगर विशेषताओं की हम बात करते हैं तो उसमें विशेषता एक और ये आती है कि पहली बार भारत में कृषि को प्राथमिकता देते हुए एक स्थायी तो ग्रामीण जीवन का जो ठोस विकास हुआ वो ताम्रपाषाण काल में हुआ। क्या कहा हमने, कृषि को महत्वता देते हुए, ठीक, भारत में एक ठोस ग्रामीण जीवन का जो विकास हुआ या स्थायी ग्रामीण जीवन का जो विकास हुआ वो विकास कब हुआ, वो विकास ताम्रपाषाण काल के दौरान ही हुआ।
क्योंकि ताम्र पाषाण काल के चैप्टर के बाद डायरेक्ट आपका चैप्टर मिलता है हड़प्पा सभ्यता, समझिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता का उद्भव छोटे छोटे पैमाने पे होगा तभी वो एक बड़ा नगर बनेगा। जैसे गांव में पहले क्या था, लोग मिट्टी के घर बनाते थे, घास फूस के घर बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, सरपत के घर बनाते थे, फिर वहां पर पक्की ईंटें, गांव में कोई ऐसा पहला मकान बना होगा जो पक्की ईंटों का रहा होगा, तो धीरे धीरे पूरे गांव में अब क्या है, पक्की ईंटों के मकान बनने लगे। सेम हड़प्पा के कुछ लक्षण जो है वो महाराष्ट्र से जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल पाए गए दायमाबाद और इनाम गांव से मिले हैं। इसीलिए बाद में क्या हुआ कि जब दायमाबाद में और खोजा गया, जो कि सबसे बड़ा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, वहां से एक तांबे का रथ चलाता हुआ आदमी मिला है, बैल मिला है, ठीक है, गैंडा मिला, सॉरी भैंसा मिला है, हाथी मिला है, ये तमाम ठोस धातुओं के बनी हुई वहां से मूर्ति पाई गई है तांबे की। उसके साथ साथ इनका और क्या हुआ था, इनका नगरीकरण हो गया था, नगरीय सभ्यता देखने के साक्ष मिलने लगे थे। तो इसीलिए थे, उसके बाद फिर और जब दायमाबाद खोजा गया तो वहां से मुहरों के भी साक्ष मिले। तो इसीलिए इतिहासकारों ने यह कहा कि दायमाबाद में पाषाण कालीन भी साक्ष पाए गए हैं, ताम्र पाषाण कालीन भी साक्ष पाएंगे और हड़प्पा कालीन भी साक्ष पाए गए। इसीलिए दायमाबाद को संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल डिक्लेयर कर दिया गया। किसको? दायमाबाद को। तो मतलब क्या होगा कि अगर हमें हड़प्पा सभ्यता जाना है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि कांसे का निर्माण तांबा और जस्ता मिलाकर होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हम जस्ता के स्थान पर टिन का प्रयोग कर लेते थे। मतलब जो मूल धातु है मेरा कॉपर, या हमारा जो मूल धातु है कॉपर या तांबा, उसका रहना अनिवार्य है। बिना तांबे के हम कभी भी कांसा नहीं बना सकते हैं, और जब कांसा बनेगा ही नहीं तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता होगी ही नहीं। तो इसीलिए हड़प्पा के पहले हम ताम्र पाषाण कालीन स्थलों का जिक्र करेंगे, उसमें से कई स्थल आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलेंगे, ताम्र पाषाण काल का विकास समझेंगे, और वहीं से क्या होगा, आप धीरे धीरे किस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है ताम्र पाषाण काल। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि विश्व में, देखिए नोट्स को मेरे साथ बनाते रहिएगा, कई सारे ऐसे विद्वान होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, कहेंगे सर हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, लेक्चर दीजिए, बोल पे मैं पीडीएफ लेके आके लेक्चर अगर आपको दूंगा तो मुझे पता है कि आपका टाइम बचेगा, लेकिन जब आप चीजों को एक बार लेक्चर सुनेंगे, फिर चीजों को देखेंगे, फिर चीजों को लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक 30-50% चीजें आपको उस समय नोट्स बनाते हुए ही याद आ जाएंगी। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि विश्व में सबसे पहले तांबे का प्रयोग ईसा पूर्व में इराक में स्थित सुमेर नगर से मिला है। क्लियर? भारत में तांबे का प्रयोग लगभग 3000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस काल में लोग
कांबे के साथ साथ पत्थर के भी औजार इस्तेमाल करते थे, पत्थर के भी औजार इस्तेमाल करते थे। इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। क्लियर? चीजों को फट से लिखिए। तांबे का प्रयोग और उसका विवेचन गार्डन चाइल्ड की पुस्तक What happened in history से मिलता है। इसके साथ साथ हमने आपसे क्या कहा कि भारत में पहली बार क्या हुआ कि लोग ग्रामीण स्थायी निवास जो करना मतलब ठोस रूप से, शुरुआत तो नवपाषाण काल से हो गई थी लेकिन ठोस, जैसे आप तैयारी तो पहले से भी टीसी पीसी कर रहे होंगे लेकिन जब फॉर्म आया है अब आप इसकी तैयारी एक ठोस रूप से करेंगे। तो भारत में क्या हुआ कि ठोस रूप से स्थायी ग्रामीण विकास या स्थायी ग्रामीण निवास जो चालू हुआ वो ताम्रपाषाण काल से हुआ, और इसी समय लोग पशुपालन करना भी बहुत ज्यादा किए और कृषि करना भी किए। उसके साथ साथ हमने आपको क्या बताया कि ताम्रपाषाण कालीन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है उनके मृदभांड जो लाल रंग के होते थे और जिनमें काले रंग की क्या की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी। तो भारत में स्थायी ग्रामीण निवास की शुरुआत ठोस रूप से इसी काल से मानी जाती है। ठीक, इनका प्रमुख कार्य पशुपालन और कृषि था। उसके साथ साथ ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता इनके मृदभांड हैं जिन पर लाल रंग पे काले रंग से चित्रकारी की गई होती थी। क्लियर? चलिए लिखिए। हमने क्या कहा कि भारत में जो सबसे पहला ताम्र संचय पाया गया या तांबे की बनी वस्तु पाई गई
वो 1822 में कानपुर के बिठूर से मिला है, ठीक, जो कि एक बर्छा है। लेकिन सर्वाधिक जो तांबे का संचय हुआ है वो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से हुआ है, जहां से लगभग 424 तांबे की वस्तुएं पाई गईं। इसके साथ साथ यहां से 102 चांदी की भी वस्तुएं पाई गई और इसमें इनको चांदी के चादर भी यहां से मिले। और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफाई से भी क्या है, सफाई से भी इनको क्या हुआ है कि तांबे की वस्तुएं मिली हैं। उसके साथ साथ इनको जो मृतभांड मिले हैं, जिसको गैरिक मृतभांड कहते हैं, वो भी कहां से पाया गया है, वो भी ताम्र पाषाण काल से पाया गया है। ये बिठूर वाला सवाल आपके नेट जारब तक में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहला ताम्र संचय कहां से मिला है, तो याद रखिएगा कानपुर के बिठूर से। यह आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक भारत में या भारत में सर्वाधिक ताम्र संचय कहां से मिला है, तो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया जिले से मिला है। तो भारत में सबसे पहला ताम्र संचय 1822 में कानपुर के बिठूर जिले में मिला है। और सर्वाधिक ताम्र संचय मध्य प्रदेश के गुंगेरिया जिले से पाया गया है, या गुंगेरिया जिले से पाया गया है, जिनमें 424 तांबे की वस्तु और 102 चांदी की वस्तु पाई गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सफाई से भी ताम्र संचय हुआ है। क्लियर, इन बातों को लिखिए, फिर अलग अलग ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के बारे में बताते हैं कहां से क्या पाया गया, क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये प्रमुख राज्य हैं जहां से महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन स्थल पाए गए। और भी हैं, उनको मैं एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट में आपको दिखा देंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, यहां पर जो ताम्र पाषाण काल का विकास हुआ वो बानस नदी के किनारे हुआ, इसीलिए इसको बानस संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो है बालाथल, आहाड़, गिलकुंद, ठीक, ये तमाम स्थल जो हैं ये राजस्थान में पाए गए महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं। और इन सभी स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो आहाड़ है, इसीलिए सभी स्थलों को आहाड़ संस्कृति के अंदर रख दिया गया है। वहां के लोग आहाड़ को धूलकोट नाम से जानते हैं, लेकिन आहाड़ संस्कृति का जो प्राचीनतम नाम है वो क्या है, ताम्बवती है, क्योंकि यहां से ही सब, यहां से ही पूरे के पूरे जो औजार पाए गए या पूरे की पूरी जो वस्तुएं पाई गई वो किसकी पाई गई हैं, तांबे की पाई गई है। गिलकुंड एक ऐसा स्थल है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में या आहाड़ संस्कृति के अंतर्गत, जहां से पक्की ईंटें पाई गई हैं, यहां से मकान के ढांचे पाए गए हैं और यहीं से उन मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया हुआ पाया गया।
अब ये पक्की ईंट के बारे में जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जितने मकान हैं सब पक्की ईंटों के बने हुए हैं। यही नहीं, गिलकुंद से क्या है, फलक का उद्योग भी मिला है, मतलब नुकीले पत्थर औजार बनाने के क्या मिले हैं। बिल्कुल सही, नुकीले पत्थर औजार बनाने के क्या मिले हैं आपको, यहां से उद्योग भी पाया गया है। और जो बालाथल है, बालाथल जो है वो आहार संस्कृति का खोजा गया सबसे नवीनतम स्थल है बालाथल। आपको सवाल पूछ सकता है कि ताम्रपाषाण काल में आहार संस्कृति से खोजा गया सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है, बालाथल। तो ये कुछ स्थान है जहां से कुछ चीजें पाई गई हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला ताम्रपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। यहां के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थल थे वो कौन सा था, पहला है ठीक आहार संस्कृति या आहार, या ऐसे लिख देते हैं यहां के महत्वपूर्ण स्थल है आहार, गिलकुंद, गणेश्वर और बालाथल। क्योंकि ये सारे ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ये सारे के सारे ताम्रपाषाण कालीन स्थल बानस नदी के किनारे पाए गए हैं, बानस नदी के किनारे पाए गए हैं, इसीलिए इसे ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए इसे बानस संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। इसमें जो सबसे प्रमुख संस्कृति है, इसमें सबसे प्रमुख संस्कृति है वह आहार संस्कृति है, जिसे धूलकोट या ताम्बवती के नाम से जानते हैं, धूलकोट या ताम्बवती के नाम से जानते हैं। यहां से अत्यधिक हर जगह से, हर घरों से यहां से तांबे की वस्तुएं पाई गई हैं, और उसके साथ साथ यहीं से, कहां से, आहार संस्कृति से, यहां से कच्ची और अधपक्की ईंटों के मकान पाए गए हैं। आप लोग, कई लोग ये सोच रहे होंगे सर इतना लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये मुझे, मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं, ये आपके लिए लिख रहा हूं दोस्त, आपके लिए। आप लिखिए दोस्तों, मेरी बात मानिए, आप अगर इतना ही होता तो आप कोई भी किताब खरीदते, आप पढ़ते, लेकिन ये जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नोट्स है, ये किसी एक किताब पर नहीं है, इतिहास के जो भी जितनी भी किताबें, हर जगह से चीज़ें छांट छांट के मैं लिखा हूँ। कहीं से भी आप अगर एक किताबों में ये सारी चीज़ें पा जाएंगे तो आप हमको बताइएगा। चीज़ों को समझना बड़ी बात नहीं होती है, सबको सब जगह से सारी चीज़ें लेकर उसे पढ़ाकर लिखना बड़ी बात होती है। एक किताब पढ़कर आप कभी भी टीस्टी पीस्टी नहीं निकाल सकते, ये बात ऑलरेडी मैं आपसे कहूँ, इसलिए नोट साथ में बनाते रहिए, समय है अभी, मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतनी चीज़ों को लिखिए, फिर अगला स्थान बताते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है गिलकुंद। गिलकुंद से सर्वप्रथम
पकी हुई ईंट के साक्ष्य पाए गए हैं, पकी हुई गिलकुंद से सर्वप्रथम पकी हुई ईंट के साक्ष्य पाए गए हैं और यहीं से फलक के उद्योग भी मिले हैं। बालाथल से ग्रामीण बस्ती को चार दीवारी में, मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी टीला दुर्गीकृत रहता था, सेम यहां पर भी। तो बालाथल से ग्रामीण बस्ती को चार दीवारी से घेरा गया है और यह आहार संस्कृति का सबसे नवीनतम स्थल है। क्लियर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ये महत्वपूर्ण ताड़ पाषाण कालीन स्थल है। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण ताड़ पाषाण कालीन स्थल पाए गए वो मध्य प्रदेश से पाए गए, जिनको हम मालवा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट काली सिंधु के पास वे सब स्थल मिले हैं। और चूंकि ये जो यहाँ पर जो सबसे प्राचीनतम स्थल है वो है कायथा, इस मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन स्थलों में, इसीलिए इसको कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। कायथा संस्कृति के लोग अमीर थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहां पर जो चीजें पाई गई हैं उनके द्वारा ये निकाला गया। यहां से 29 तांबे की चूड़ियां मिली हैं, उसके साथ साथ यहां से कीमती पत्थर जैसे स्टेटाइट पत्थरों की गुड़ियाएं पाई गई हैं, माला की गुड़िया। तो इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो कायथा संस्कृति के लोग हैं ये काफी अमीर लोग हैं। तो अगले जो महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिले हैं वो कहां से मिला है, मध्य प्रदेश से। यहां की सबसे पुरानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कायथा संस्कृति है। जो उज्जैन के निकट काली सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहां से 29 तांबे के कंगन दो अद्वितीय कुल्हाड़ी, मतलब वैसी कुल्हाड़ी अभी तक कहीं से नहीं मिली, दो अद्वितीय कुल्हाड़ी और 1 स्टेटाइट और 1 कैमिलियन जैसे कीमती पत्थरों की गुड़िया पाई गई है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है
यहां के लोग अमीर थे। क्या थे? अमीर। लिखिए, कायथा संस्कृति के बाद जो अगला मध्य प्रदेश की संस्कृति थी उसको मालवा संस्कृति के नाम से जानते हैं। मालवा संस्कृति में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है वो है नौदा टोली, जहां से सर्वाधिक मात्रा में फसलों को उपजाए जाने का साक्ष्य मिलता है। इसके साथ साथ मालवा संस्कृति के लोग कताई और बुनाई भी जानते हैं, क्योंकि यहां से तकली और चरखे के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके साथ साथ जो मालवा संस्कृति से जो मृदभांड पाया गया है वो ताम्र, सभी ताम्र पाषाण कालीन स्थलों से पाए गए मृदभांडों में सबसे उत्तम कोटि का है। तो जो भी कह रहा है, रखिएगा कि मालवा संस्कृति से जो मृदभांड पाए गए हैं वो सभी ताम्र पाषाण कालीन स्थलों से पाए गए सबसे उच्चतम कोटि के मृदभांड है। और नौदा टोली ताम्र पाषाण कालीन एक ऐसा स्थल है जहां पर सर्वाधिक फसलों को उपजाया जाता था। तो अगली जो मध्य प्रदेश में ये भी है, तो मध्य प्रदेश में कायथा संस्कृति के बाद जो दूसरी संस्कृति आती है वो कौन सी है? मालवा संस्कृति। कौन सी है? मालवा संस्कृति। इस संस्कृति की जानकारी, इस संस्कृति की जानकारी सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के सारगोन जिले के, यह सारगोन जिले में स्थित महेश्वर और नौदा टोली का उत्खनन हुआ था, का उत्खनन हुआ। नौदा टोली से सर्वाधिक फसल उपजाए जाने के साक्ष मिले हैं। इसके साथ साथ हमने आपसे क्या कहा कि मालवा संस्कृति जी के जो मृदभांड हैं, यहां पर ताम्र पाषाण कालीन जितने भी मृदभांड पाए गए उसमें सबसे उत्तम कोटि के मृदभांड मालवा संस्कृति के हैं। और यहाँ के मृदभांडों में जो चित्रकारी की गई है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा और वृषभ की पूजा करते हैं, और यही दोनों आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण होंगे। तो मालवा संस्कृति में पाए गए मृदभांड समस्त ताम्र पाषाण कालीन मृदभांडों में उच्च कोटि के हैं, और मृदभांडों में मातृ देवी और वृषभ का चित्र मिलता है। क्लियर? चलिए देखिए इसको। अगला जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं वो कहां से मिले हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जिस संस्कृति का उद्भव हुआ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का, उसको जोरवे संस्कृति के नाम से जाना गया। सभी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों में सबसे बड़ी संस्कृति जोरवे संस्कृति थी, क्योंकि यहां से लगभग 200 बस्तियां ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं। और यही नहीं, जोरवे संस्कृति के साथ में जो है उनका जो मतलब सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, लेकिन यहां से नगरीकरण के भी साक्ष पाए गए, जिसमें दायमाबाद और इनाम गांव सबसे पहले नगरीकरण होने वाले
यहाँ के ताम्र पाषाण कालीन स्थल थे। तो महाराष्ट्र में जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति पाई गई उसे किस नाम से जानते हैं? जोरवे संस्कृति के नाम से। जोरवे संस्कृति पाई गई है, जो सबसे आखिरी समय तक कायम थी। यह संस्कृति सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी। क्योंकि यहां से लगभग 200 बस्तियां पाई गई हैं। यही नहीं, जोरवे संस्कृति के लोग क्या है, ये लोग फर्श के नीचे कलश में रखकर कुछ चीजों को दफनाते थे। और यही नहीं, जिसका सिर उत्तर की तरफ, यहाँ पर जो दफनाए जाने का प्रोसेस भी था वो आज आधुनिक की तरह है कि सिर उत्तर की तरफ रहता था और पैर दक्षिण की तरफ रहता था। तो जोरवे संस्कृति के लोग फर्श के नीचे कलश को या मृत शरीर को दफनाते थे। जिसकी दिशा उत्तर दक्षिण थी। और यही जब दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां उल्टा हो जाता था, वहां पर क्या पूरब और पश्चिम हो जाता था। लिखिए, जैसा कि हमने कहा कि यद्यपि ताम्र पाषाण कालीन सभी संस्कृतियां ग्रामीण थी, लेकिन दायमाबाद और इनाम गांव जो था ये एक नगरीकरण सभ्यता थी। और जो सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी वो कौन सी? दायमाबाद थी, या जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ी सभ्यता में जो स्थान था वो था दायमाबाद। दायमाबाद से तांबे का रथ चलाता हुआ मनुष्य, गैंडा, हाथी, भैंसा इत्यादि ठोस धातु में पाए गए। उसके साथ साथ यहां से कई सारी मृण, मतलब कई सारे मिट्टी की मूर्ति पाई गई। एक मात्र देवी की मूर्ति पाई गई जिसके साथ वृषभ को जोड़ा गया है, जो कि मिट्टी की बनी हुई है। तो ये तमाम चीजें जो है आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता को जोड़ती हैं, इसलिए दायमाबाद को हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में स्वीकारा जाता है। तो ताम्र पाषाण काल में दायमाबाद और इनाम गांव एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे बड़ी या सबसे बड़ा ताम्र पाषाण काल स्थल दायमाबाद था, ठीक, जो कि लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था। दायमाबाद से तांबे का रथ चलाता हुआ मनुष्य, साढ़,
गैंडा और हाथी पाया गया है। इसके साथ साथ यहां से मृण मूर्ति पाई गई है, एक और मूर्ति मिली है मातृ देवी की मूर्ति, जिसे साल के साथ जोड़ा गया है। यहां से कई सारी ऐसे भी मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है जिनमें सर नहीं है, ठीक, जिनकी तुलना महाभारत के विसरा से किया जाता है। यहां पर एक मनुष्य की मूर्ति पाई गई है जो चारों तरफ जानवरों से और पंछियों से घिरा हुआ है, जिसकी तुलना हम पशुपति से कहते हैं। ये तमाम प्रकार के साक्ष जो है कहां से मिले हैं, दैमाबाद से। इसके बाद इनाम गांव से लगभग 100 कमरे वाले मकान मिले हैं, ये सब अपवाद के रूप में कभी पूछ लिया जाता है, 100 कमरे वाले मकान मिले हैं और नेवासा जो कि एक जोरवे संस्कृति है, नेवासा से पटसन के भी साक्ष्य पाए गए हैं। क्लियर। अब देखिए एक चार्ट है, चार्ट में आपको जो ताम्र पाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप चीजों को आसानी से याद कर लेंगे। बलूचिस्तान ये सब ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं दोस्त, ठीक है। ये सब जो है, ये जो चार्ट है, इस चार्ट से जब स्थल से सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन कौन सा स्थल महाराष्ट्र का है, कौन कौन सा यहाँ का है, तो ये चीजें हैं। तो ताम्र पाषाण काल युग के जो स्थल हैं वो है बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान सभ्यता का विकास हुआ जिसमें मेहरगढ़, नाल, कुली और क्वेटा है, ठीक। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी सोफी सभ्यता है जिसमें कालीबंगन है, उत्तरी पूर्वी में गणेश्वर सभ्यता है, दक्षिणी पूर्वी में बानस सभ्यता है, आमरी सभ्यता है और कोट तिजियान सभ्यता है सिंधु में। पश्चिमी महाराष्ट्र में सवालदा सभ्यता है जिसमें जोरे है, ठीक है। उसके बाद जोरवे सभ्यता में दायमाबाद है, इनाम गांव है, नेवासा है और सोंगावोन है, ये सब स्थान है। पश्चिम में मध्य प्रदेश में मालवा सभ्यता है, उत्तर प्रदेश में आर्चरी कलाई, पॉटरी सभ्यता, अतरंजी खेड़ा, लाल किला और सैयई में था। तो ये सब ताम्र पाषाण कालीन क्या है, कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो पाए गए हैं। इन स्थलों को आप अगर ऐसे चार्ट से बना लेंगे और लिख लेंगे तो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद क्या है कि और भी जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसको हम एक बढ़िया से चार्ट में आपको समझा देंगे। इन चीजों को जो ताम्र पाषाण काल आपका टॉपिक है, देखिए टीएसटी पीएसटी क्लास है, यूजीसी नेट जीआरएफ नहीं है, तो इसमें आप चीजों को क्या करिएगा, लिखिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस करिएगा, देखिएगा प्रश्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है और हम खुद आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और दोस्तों मेहनत करिए क्योंकि जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आ गया है, ठीक, उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। आज की क्लास में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से चलते हैं मेरे साथ एक नए लेक्चर की ओर। जैसा अभी हम लोगों ने संविधान पे बहुत डिस्कशन कर लिया, संविधान, संविधान सभा, स्रोत, समितियां सब पढ़ लिया। किस लिए पढ़ा, एक देश है उस देश का संविधान है, वो संविधान किस प्रकार निर्मित हुआ, हमने ये पढ़ा। आज हम एक बहुत मुख्य टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, बहुत मुख्य टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं। मतलब वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं कह दूं कि ये पेन ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है और ये पेन है, इससे आप लिखते हैं, तो आपने मुझसे पूछा कि मैम ये पहली बार कब बना होगा, ये पहली बार कब बना होगा। हमने कहा ये तो नहीं पता, मैंने आपको दे दिया, आपको लगता नहीं अधूरा गया। नहीं, जिस संविधान को मैंने आपको बताया, जिस संविधान के हमने निर्माण की बात की, हमने सारी चीज सहजता से पढ़ ली। क्यों? संविधान की कई पुस्तक है, उसके कई राइटर हैं, कई सोर्सेज हैं और हमने पा लिया और पढ़ लिया। ऑनलाइन क्लासेस है, आप घर बैठ के पढ़ रहे, आप अपने आप क्लासेस का चयन कर रहे, टीचर्स का चयन कर रहे, जो अच्छा लग रहा है आप पढ़ रहे।
लेकिन क्या ये भारतीय संविधान जो आज हम इतने शोर से पढ़ रहे हैं इतने इजी तरीके से हमारे देश के लोगों ने पाया होगा? मुझे नहीं लगता पाया होगा। तो जब इतने इजी तरीके से नहीं पाया होगा तो इतने इजी तरीके से पढ़ लेना कहीं बेमानी नहीं है। आइए इसको इजी तरीके से और पढ़े। लेकिन क्या करें, पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें। मैं बहुत दिन से आप लोगों से बात कर रही हूं, संविधान सभा के निर्माण के लिए मैंने बात की तो नाम लिया कैबिनेट मिशन। फिर मैंने बात किया अगस्त प्रस्ताव, मैंने बताया क्रिप्स मिशन, यानी संविधान के निर्माण में इस प्रकार जितने हमने संस्थाओं के नाम लिए, जितने भी संस्थाएं क्रमवाइज हम नाम ले रहे हैं, वो संस्थाएं क्या कर रही है संविधान के निर्माण में, ये एक एक प्रोसेस आगे बढ़ रही है और हमें संविधान की ओर ले जा रही है। लेकिन इन सब के पीछे की जो पहलू थी उसे कौन देखेगा? उसे भी तो हमें आपको देखना है। आइए आज वो चैप्टर पढ़ा जाए जिस चैप्टर के बिना वास्तव में हम संविधान को नहीं जान पाएंगे। अगर मैं कहूं कि आपने भारतीय संविधान को जान लिया, मैंने भारतीय संविधान पूरा पढ़ा लिया, तो कहीं ना कहीं ये चीटिंग है। क्यों? क्योंकि ना तो मैंने पूरा पढ़ा लिया ना आपने पूरा जान लिया, संविधान का निर्माण हो गया, संविधान सभा गठित हो गई। इसके पहले के आधार को देखते हैं। भारतीय संविधान जैसा आप और हम जानते हैं कि कोई एक निश्चित तिथि में नहीं बना, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत तो किया है लेकिन कोई एक निश्चित तिथि घोषित नहीं हुई थी कि उसी तारीख को बन जाएगी, कोई एक निश्चित कारक घोषित नहीं हुआ, कोई एक निश्चित उद्देश्य घोषित नहीं हो पाया। हुआ क्या, न जाने कितने सतत प्रक्रिया जो निरंतर मांग चली आ रही थी उसी का परिणाम है कि हमने 26 नवंबर 1949 को पाया। इसका मतलब है किसी भी देश का संविधान, कुछ किसी भी देश का संविधान कुछ क्षणिक, कुछ क्षणिक दस्तावेज नहीं है। एक बात, यह क्या है, तो यह सदियों अथवा वर्षों का एक सफल अनुभव है। बात समझिएगा जो मैं कहना चाह रही हूं, यह सदियों अथवा वर्षों का एक सफल अनुभव है। यह एक प्रकाश पुंज है जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि भारतीय संविधान किसी एक वर्ष, किसी एक तिथि, किसी एक प्रक्रिया का वो नहीं है द्योतक। ये क्या है, ये निरंतर चली आ रही, ये निरंतर चली आ रही प्रक्रिया का परिणाम है। क्या है, निरंतर चली आ रही प्रक्रिया का परिणाम है। कैसे, कैसे निरंतर चली आ रही प्रक्रिया का परिणाम है? अगर मैं कहूं आप भारतीय संविधान को समझ लिए हैं या आपको भारतीय संविधान को समझना है, तो भारतीय संविधान को समझने के लिए पहले उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझिए। भारतीय संविधान को समझने के लिए मैंने क्या बताया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको कहां से मिलेगी, अंग्रेजों के आगमन से मिलेगी। अंग्रेजों के आगमन से मिलेगी। इसका मतलब, इसका मतलब अगर हमें भारतीय संविधान को समझना है तो यूरोप के 1600 ईस्वी के कालखंड को समझना होगा।
क्या करना होगा, यूरोप के 1600 ईस्वी के कालखंड को समझना होगा। तो पहले क्या किया जाए, यूरोप को देखा जाए और एक तरफ भारत को देखा जाए। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो आपको ये बता रहा है कि जिस संविधान के निर्माण की आप बात कर रहे हैं, जिस संविधान के लिए आप निरंतर प्रयासरत है, वो संविधान आपको इस प्रकार नहीं मिला है। वो संविधान क्या ऐसे मिला है, वो संविधान आपको निरंतर सकारात्मक प्रक्रिया के द्वारा मिला है। जैसे मैंने कहा, अगर भारतीय संविधान को समझना है तो यूरोप को समझे। और आप भारत को समझे। मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है, मेरा टोटल कहीं से भी मेरा एकमात्र भी उद्देश्य नहीं कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं। लेकिन कुछ क्षण, कौन से क्षण, जो क्षण आपके पॉलिटी को कवर करते हैं, जो तिथियां आपके पॉलिटी को कवर करती हैं, जो घटनाएं आपके पॉलिटी को कवर करती हैं, मुझे वो पढ़ाना होगा और आपको वो पढ़ना होगा। एक तरफ यूरोप है और एक तरफ भारत है। कब? हम दोनों में बात कर रहे हैं 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास की। 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास की हम यूरोप और भारत की बात कर रहे हैं। यूरोप एक ठंड प्रदेश, बहुत ध्यान से समझिएगा, यूरोप एक ठंड प्रदेश, भारत मिश्रित जलवायु। फिर याद रखिए, मेरा कहने का मतलब क्या उसको समझिएगा, ना ज्योग्राफी पढ़ाना है ना हिस्ट्री पढ़ाना है। मिश्रित जलवायु मतलब ठंड गर्मी बारिश सब कुछ आपको मिलेगा, सारे मौसम मिलेंगे। अगर सारे मौसम ना मिलने होते तो जो मुगल भारत को लूटने आए थे, वही मुगल क्या कह रहे हैं कि भारत कोई लूटने की चीज नहीं है, भारत तो बसने की चीज है। क्यों? क्योंकि ये तो ऋतुओं का राजा है, यहां तो सारी ऋतुएं मिलती हैं। भाई मुगल कहां से थे? तो वो उस रेगिस्तान से थे जहां ना वर्षा हो रही है ना ठंड है, कहे क्या, एक ही प्रकार का मौसम जिसमें वो जूझते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो लूटने आए भारत को, तो शिविर बना के आए, काफिला बना के आए, और उन्होंने क्या किया, फिर शुरू किया गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों से एंट्री किया। भीषण गर्मी, उन्हें कोई फर्क पता नहीं चला, उन्हें तो लगा कि वैसा ही है जैसा हम अपने प्रदेश में रह रहे थे। फिर कुछ दिन रुक के, एक जगह काफिला बना के रुकते थे, लूटपाट करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। फिर कुछ आगे बढ़े, बारिश आ गई, बारिश की वजह से रुके तो अगले क्षण सर्दी आ गई। तो यही सब देख के तो कहा था ना कि भारत तो ऋतुओं का राजा है, तो भारत जब ऋतुओं का राजा है तो इसे लूटा क्यों जाए, यहां बसा जाए। तो समझ लीजिए मैं उस भारत की बात कर रही हूं 14वीं 15वीं शताब्दी में। ठंड प्रदेश, फसल नाम मात्र की, फसल नाम मात्र की, यहां सारी फसलें। पहले तुलना करेंगे फिर देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को ही क्यों चुन लिया। कच्चे मांस की अधिकता, कच्चा दूध, कच्चे मांस, पाव, इन्हीं पर जीवन निर्भर है। पाव जानते हैं ना, पाव जो हम बहुत चाव से खाते हैं, खुश होके खाते हैं पाव। हमने बंद मक्खन लिया, हमें अच्छा लगा। और उस दौरान भारत में सारी फसलें, कोई ऐसी फसल नहीं है जो ना हो रही हो, कोई ऐसी फसल नहीं थी जो ना हो रही हो। और उन फसलों के साथ सबसे ज्यादा मजबूती लिए हुए अगर कोई चीज था तो मसाले। सारे तत्व, सारे खनिज, सारे आभूषण, याद रखिएगा, सारे तत्व, सारे खनिज, सारे आभूषण। और यहां क्या था, आप कंडीशन देख लीजिए, इसका मतलब ये इनके खाने की क्या थी, मजबूरी थी, मजबूरी थी। क्योंकि कि फसल इतनी होगी नहीं, आटे को सड़ा दिया जाए तो ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में हो कि पाव का निवार होगा, और ये पाव क्या करेंगे, मांस बनाकर उसके साथ खाएंगे।
दूध की प्रचुरता थी कुछ हद तक, लेकिन फसल नहीं थी। भारत में सब कुछ था, सोने की चिड़िया कहला रही है, समृद्ध कहला रहा है, सारे ऋतुओं का राजा कहला रहा है, सबकी निगाहें भारत पर है बेसिकली। इसके लिए फ्रांसीसी डच सब इधर देख रहे हैं और सब क्या कर रहे हैं, मसालों से ज्यादा लाभ उठाकर अपने देश जा रहे हैं, और अंग्रेजों के मन में एक लालच बैठा हुआ है। इनके पास क्या है, ये कंडीशन है। और याद रखिएगा, अगर आपके घर कृषि है तब तो आप उसमें संलग्न होते हैं, लेकिन अगर आपके घर कृषि नहीं है तो या तो आप नौकरी करने बाहर जाते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, या तो आप नौकरी करने बाहर जाते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं। और यही हुआ है यूरोप के साथ। इनके पास क्या था, अब समझ लीजिए, इसको एक शब्द में नाम दे दिया जाए, इसको एक शब्द में नाम दे के कह दिया जाए, प्राकृतिक संसाधन की कमी थी। प्राकृतिक संसाधन की कमी थी, और ये प्राकृतिक संसाधन की बहुलता थी। प्राकृतिक संसाधन की बहुलता थी, क्लियर है। यानी एक तरफ प्राकृतिक संसाधन की कमी और एक तरफ प्राकृतिक संसाधन की बहुलता है। ये तो था कंडीशन। अब देखिए क्या है, भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार आपको 1600 में दिख रहा है, वो 1600 के पहले 14वीं शताब्दी में ही फल फूल रहा था। यानी भारत और यूरोप के मध्य व्यापार 14वीं शताब्दी में ही चल रहा था, और ऐसा व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से हो रहा था। जल और थल दोनों मार्गों से ऐसा व्यापार हो रहा था, और यह व्यापार बहुत मजबूत व्यापार था। कैसे, यूरोप के कुछ व्यापारी वर्ग थे, यानी कुछ मजबूत व्यापारी वर्ग थे यूरोप के, और मान लीजिए 10-15 व्यापारी वर्गों का अपना समूह था, 10-15 व्यापारी वर्गों का अपना समूह था। ये क्या करते थे, ये 14वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया नगर पे आते थे यूरोप से चलकर। भारत भी क्या करता था, कुस्तुनतुनिया नगर पे आता था, और दोनों क्या होता था, व्यापार होता था। जैसे भारत से मसाले प्लस जो भी इन्हें खनिज और ये चाहिए था, बेसिकली मसाले ये लाते थे, और यहां से ज्यादा मात्रा में धन संपदा ले जाते थे। धन संपदा ले जाते थे, इसका मतलब यहां से हीरे जवाहरात सोने चांदी मिल रहे हैं, और यहां से मसाले, मसाले की कीमत आप समझ लीजिए कितनी ज्यादा थी। ये वो भारत था, और मसालों के कारण भारत समृद्ध था। कैसे, एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ की पत्तियां थे, इस पत्ता के रूप में कार्य कर रही है, फल फूल लौंग और काली मिर्च के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इसके छाल जो होती है वृक्ष की, वो दालचीनी के रूप में कार्य कर रही है। और केरल जैसे गर्म प्रदेश पे इस वृक्ष को, इस फसल को उगाने की भी जरूरत नहीं है, तो स्वतः उग रही है। इसका मतलब भारत की समृद्धता ऐसे देख लीजिए कि वास्को डी गामा एक बार भारत को लूट के जाता है और दूसरी बार आता है तो भारत फिर से सजा हुआ पाता है। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो उस समय क्या था, सोने की चिड़िया कहलाती थी। और ये कुस्तुनतुनिया नगर क्या था, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार क्या था, कुस्तुनतुनिया नगर 14वीं शताब्दी में। अब क्या होता है, 15वीं शताब्दी के आसपास, 15वीं शताब्दी के आसपास इस कुस्तुनतुनिया नगर पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया।
बहुत इंपॉर्टेंट। हम 1600 के पहले की घटना शुरू कर रहे हैं। इस कुस्तुनतुनिया नगर पर 15वीं शताब्दी में तुर्कों ने अधिकार कर लिया और अधिकार करने के साथ ही इन्होंने व्यापार और संचार के माध्यम को बंद कर दिया। व्यापार और संचार के माध्यम को इन्होंने बंद कर दिया और क्या कहा कि जिसको भी व्यापार करना है मध्यस्थता मैं करूंगा, मेरे माध्यम से व्यापार होगा। इसका मतलब तुर्कों ने अपना पूरा लाभ देखा। और व्यापारी कौन थे? यूरोपीय थे। कितने ऐसे यूरोपीय जो 10 से 15 व्यापारी, मजबूत व्यापारी थे जो अपना व्यापार करते थे। ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे हम इलाहाबाद में रह रहे हो, हम लखनऊ में रह रहे हो, हम कानपुर में हो, हम किसी भी भारत के राज्य देश में, वहां का कुछ वर्ग, जैसे अब ये कहा जाए कि इलाहाबाद के लोगों ने जाके मद्रास में व्यापार किया, इलाहाबाद के लोगों ने जाकर चीन में व्यापार किया, तो क्या पूरा इलाहाबाद तो जाएगा नहीं? जो वहां बड़ा व्यापारी संगठन होगा वही जाएगा। तो यूरोप में यही होता था, यही 10-15 जो प्रबल मजबूत व्यापारी थे वो वहां जाते थे और जाकर व्यापार करते थे। अब जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो नुकसान महारानी का तो हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि महारानी का तो खजाना भरा हुआ, यूरोप तो समृद्ध है, और यूरोप समृद्ध है महारानी से मतलब नहीं, यानी यूरोप के शासक सम्राट से मतलब नहीं है। व्यापार में नुकसान उन व्यापारियों का हुआ जिन्होंने मिलकर एक संगठन समूह बना रखा था। तुर्कों ने कहा कि मध्यस्थता हम करेंगे, हमारे माध्यम से व्यापार होगा, यानी हमें क्या होगा, फायदा होगा। भारत जो कि मैंने बता दिया प्राकृतिक रूप से बहुत मजबूत है, अगर ये बीच में आते हैं तो भारत को नुकसान होता है। भारत ने कहा मैं व्यापार करूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि भारत को जरूरत नहीं थी, भारत को आवश्यकता नहीं थी ऐसे व्यापार की, इन्हें थी। क्यों? क्योंकि ये जिस प्रदेश में रह रहे थे, जिस देश में रह रहे थे, जिस जलवायु जैसे प्राकृतिक स्थिति में रह रहे थे, वहां मसाले इनके लिए सबसे अनुकूल कार्य थे। कच्चे मांस पे मसाले का लेप लगा के रखने से काफी दिनों तक सुरक्षित रहते थे। इसलिए क्या होता था, इसलिए क्या किया गया था, मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। ये अगर मैं ऐसे सिंपल भाषा में कहूं कि 40 रुपए में खरीद के ले जाते होंगे तो ये वहां 400 रुपए में बेचते होंगे, इतनी ज्यादा डिमांड थी। तो ये बहुत मजबूत व्यापारी संगठन थे। अब अगर तुर्कों के अधिकार के बाद कुस्तुनतुनिया नगर बर्बाद हुआ, भारत को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत के पास बहुत विकल्प था। आपके साथ ना सही, हम तो फ्रांसीसी के साथ करेंगे, डच के साथ करेंगे, हम तो किसी के भी साथ कर लेंगे। इनके पास मजबूरी थी, इनके पास मजबूरी थी। भारत ने कहा मैं ऐसा व्यापार नहीं करूंगा, भारत लौट गया। अब यूरोप के जो ये व्यापारी थे, अब ये परेशान कि व्यापार रुक गया, अब हम काम कैसे करेंगे। अब क्या होता है, यही यूरोप के व्यापारी अपने इसी संगठन के साथ पहुंचते हैं यूरोप के शासक के पास, ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंचते हैं। याद रखिए, ब्रिटिश सम्राट शब्द बोध किसका कर रहा है, ये द्योतक है उस पद का, जेंडर का नहीं, द्योतक है पद का। सम्राट के रूप में उस समय महारानी एलिजाबेथ। इनका शासन था और इनका शासन 1600 ईस्वी में था और उस समय वो ब्रिटिश का स्वर्ण काल कहलाता था। क्या कहलाया? ब्रिटिश का स्वर्ण काल। अब समझिए, इन्हीं महारानी एलिजाबेथ के पास वो ब्रिटिश के व्यापारी, यूरोप के व्यापारी आए और इन्होंने कहा कि अगर हम पूर्वी देशों के साथ, देखिए भारत शब्द नाम नहीं, अगर हम पूर्वी देशों के, पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक प्रत्यक्ष व्यक्ति हैं, आप एक प्रत्यक्ष व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना हित देखा, अपना फायदा देखा और आपने अपना व्यापार किया। मान लीजिए आप भारत के किसी राज्य के रहने वाले हैं, आपने अमेरिका में कोई व्यापार किया, अमेरिका में व्यापार का फायदा प्रत्यक्ष आपको मिल रहा था, यानी आप उस फायदे को सबसे ज्यादा महसूस कर रहे थे। इस लाइन को याद रखिएगा, आप क्या थे, आपका एकाधिकार था उस व्यापार पे, और अगर आपको जितना मिल रहा था वो सब कुछ आपका था। अगर वो व्यापार टूटता है तो नुकसान आपको होगा कि भारत सरकार को होगा, आपको होगा। तो इस व्यापार के लिए आपको समुद्र की यात्रा करने का अधिकार, जो कि राज यात्रा कहलाती थी, जब तक राज्य अनुमति ना दे कोई भी समुद्र की यात्रा नहीं कर सकता था।
तो इस यात्रा का अधिकार, इस यात्रा की अनुमति आपको सरकार क्यों देगी जब तक उस सरकार को कोई बेनिफिट, कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, ये व्यापारी वहां से आते हैं और महारानी एलिजाबेथ से कहते हैं कि अगर हम पूर्वी देश एशियाई देशों के साथ व्यापार करते हैं तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि हमें क्या होगा, भाई बैठक बैठाई गई, सम्राट ने कहा हमें क्या फायदा होगा आप बताएं। उन्होंने कहा यूरोप को 3 फायदा होगा ब्रिटिश को, याद रखिएगा ये लालच, पहला धन, धर्म और ध्वज का फायदा। धन, धर्म और ध्वज का फायदा होगा। धन, राज्य की आमदनी बढ़ेगी, हम व्यापार करेंगे वहां से जो लाभ होगा आपको देंगे, कर भी तो बढ़ेगा और राज्य का खजाना बढ़ेगा। धर्म, हम ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार दूर दराज देशों में करेंगे, पूर्वी एशियाई देशों में ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे तो क्या होगा, धर्म का फायदा होगा। यूरोप का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा, यूरोप का झंडा पूरे एशियाई देशों में लहराएगा और आगे चल के धीरे धीरे क्या होगा, हम उपनिवेश बनाते जाएंगे और हमारा क्या होगा, हमारा राष्ट्र बहुत मजबूत होगा। अब आप बताइए, कोई शासक होने के नाते अगर आप शासक होते तो मान जाते, वही कार्य महारानी एलिजाबेथ ने किया, यानी ब्रिटिश सम्राट ने वही कार्य किया। इन 3 शर्तों पे ब्रिटिश सम्राट ने अनुमति दे दी, लेकिन क्या कहा, ब्रिटिश सम्राट ने कहा यह कंपनी क्या होगी, तो ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी। अब याद रखिएगा, ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो कहलाएगी इसका नाम, इसका मतलब ये क्या होगा, तो ये सरकारी कंपनी होगी। और अगर ये सरकारी कंपनी हुई तो ये जो 10-15 व्यापारी इनके पास आए थे ये क्या होंगे, तो ये सरकार के गुलाम होंगे, यानी आप सरकारी कर्मचारी होंगे। जहां ये पूरा लाभ पा रहे थे, अब क्या होगा, इनका फिक्स वेतन होगा। अब आप सोचिए, जब ये व्यापारी यहां आते हैं, इन्हीं व्यापारियों में से किसी को गवर्नर बना दिया जाए और इनके साथ कुछ संख्या में लोगों को भेज दिया जाए, तो ये क्या करेंगे, ये तो अपना लाभ देखेंगे, क्योंकि इन्हें व्यापार करना आ रहा था भारत से। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये कंपनी क्या होगा, तो इसका एक नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कंपनी कैसी होगी, सरकारी कंपनी होगी। इसकी घोषणा किसमें होगी कि ये सरकारी कंपनी और इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी घोषणा किसमें होगी, तो महारानी एलिजाबेथ ने कहा इसकी घोषणा होगी 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। सवाल पूछा गया है, जरूर नोट करिएगा, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम बताया जाएगा और कहा जाएगा कि यह सरकारी कंपनी होगी और आप सरकारी कर्मचारी होंगे और आप ब्रिटिश सम्राट की तरफ से जाएंगे। फिर क्या कहा गया, फिर कहा गया कि 1600 का चार्टर एक्ट जो है वो क्या है, तो 1600 का चार्टर एक्ट एक अवज्ञा पत्र है, एक अवज्ञा पत्र है जो क्या बताता है कि मात्र और मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, ये याद रखिएगा, मैं फिर से शब्द रिपीट कर रही हूं, मात्र और मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार होगा। व्यापारिक एकाधिकार होगा, इसका मतलब मात्र एक ये कंपनी सरकारी कंपनी होगी और इसी कंपनी को पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार होगा। किस देश की, केवल यूरोप या ब्रिटिश के, यानी और कोई कंपनी जाकर कहे कि हम यूरोप की कंपनी है उसको एशियाई देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार का अधिकार नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई, यानी अब क्या था, पृष्ठभूमि यूरोप में बन गई, किस लिए बन गई, व्यापार करने,
वो कंपनी जो व्यापार करने भारत आती है और भारत में आकर क्या करती है, शासन करने लगती है। हम उस कहानी को देख रहे हैं, यानी 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट आधारशिला बन गई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हो गई और अब कंपनी अनुमति पाकर भारत आने को तैयार है। सोलह सौ ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और पहला कारखाना, सवाल कई बार पूछा गया है, नोट करते जाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना कहां खोला? पहला कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में खोला, जहां इन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से खोला। यानी यहां इन्होंने विनती की, अनुमति मांगी और अनुमति पाकर इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। यही मात्र मुगल सम्राट से गलती हो गई। जैसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे MNCs क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज, मिनी रत्न कंपनियां, जापान की भी है, अमेरिका की भी है, चाइना की भी है, रसिया की भी है, सब हमारे यहाँ और हमारे देश की सब जगह जाती है। होता क्या है, जैसे ही कोई MNCs, मान लीजिए गुड़गांव में लगानी है, बेंगलुरु में लगानी है, कहीं भी लगानी है, तो जब ये अनुमति मांगते हैं तो भारत सरकार शर्त रख देती है और कहती है इतना क्षेत्र आपका निर्धारित है, गुड़गांव के इस सेक्टर में आपका इतना क्षेत्र निर्धारित है, आप इतने क्षेत्र पे कार्य करेंगे और इसमें मेरा ये शेयर होगा, मेरे इतने आदमी रखे जाएंगे और हम लोगों का इतने वर्ष का अग्रीमेंट होगा। तब नहीं था ऐसा, तब ऐसा नहीं था। क्या होना नहीं चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन मुगल सम्राट ने ये सोचा कि शायद हमारे यहां रोजगार की संभावना बढ़ेगी, राज का खजाना बढ़ेगा, इसलिए इन्होंने भी क्या किया, अनुमति दे दी। अब जब ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति पा गई तो सूरत में खोलने के बाद अब ये क्या कर रही है, ये कंपनी आगे अपना कारखाना या कोठी बनाना स्टार्ट कर रही है। धीरे धीरे कंपनी कलकत्ता, बंबई, मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी नगर कहा जा रहा है, प्रेसिडेंसी नगर कहा जा रहा है, धीरे धीरे कंपनी अपना कारखाना यहां खोल रही है और इसी कारखाना खोलने के क्रम में कंपनी धीरे धीरे बंगाल की ओर बढ़ती है। बंगाल की ओर घेरेबंदी के लिए बढ़ती है। क्यों छूट मिल रही है? क्योंकि ये इतने चालाक है कि मुगल सम्राट के दरबार में प्रस्तुत होकर कभी खुशामदीद कर दे रहे, कभी कुछ उपहार दे दे रहे, मुगल सम्राट को अपने पक्ष में मिला ले रहे और धीरे धीरे ये घेरेबंदी शुरू कर दिए हैं। लेकिन बंगाल के बारे में सबको पता है कि ये शुरू से ही समृद्ध देश, समृद्ध देश और स्वतंत्र प्रांत था, एक समृद्ध और स्वतंत्र प्रांत था, ये किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करता था। दिल्ली से दूर होने के कारण इसके और मुगल के बीच कभी भी तालमेल ठीक नहीं बनते थे। इस दौरान बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जिसके लिए कहा गया है कि एक ऐसा नवाब जिसके लिए सिंहासन फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की सैया साबित हुई। हम ऐसे सिराजुद्दौला की बात कर रहे हैं जो उग्र था और जिसके अंदर देश राष्ट्र प्रेमियों के गुण समाहित थे। इनके यहां आरंभ से ही अली वर्दी खान, जिन्होंने कहा था इन यूरोपियों को छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो ये काट खाएंगी और नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगी, लेकिन ये सिराजुद्दौला की प्रतिष्ठा को चोट पहुंच रहा था जब ये बंगाल की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रहे थे। सिराजुद्दौला ने इन्हें रोका और अंग्रेजों को भगा दिया। अब ये जब भाग के जाते हैं तो उधर रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पता चलती है। अब यही से समझ लीजिए,
यही से भारत के पतन को समझ लीजिए और यही से अंग्रेजों की मजबूती समझ लीजिए। कैसे अंग्रेजों की मजबूती समझ लीजिए, सिराजुद्दौला ने जब इन्हें यहां से भगा दिया अंग्रेजों को, रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया। और काल कोठरी की घटना भी घट चुकी है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, वो हिस्ट्री का मैटर है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो हमारे राजनीति शास्त्र को टच करता है हम केवल वो पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव समझ गया कि युद्ध प्रत्यक्ष नहीं जीता जा सकता, यानी भारत में अंग्रेजों ने उसी समय से कूटनीतिक चाल चलना प्रारंभ कर दिया, फूट डालो और राज करो। उन्होंने कर दिखाया, जैसे नवाब के तीन सेनापति मीर जाफर सेनापति था, राय दुर्लभ, जगत सेठ, रॉबर्ट क्लाइव ने इन सब को अपने ओर मिला लिया। यानी अब क्या किया जाए, तो इस युद्ध से षड्यंत्र को जीता जाए। याद रखिए ये युद्ध ऐसे विजयी नहीं था, ये षड्यंत्र को जीता जाए। इसलिए क्या किया इन्होंने, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीर चंद, इन सब को अपने में मिला लिया। और नवाब के पास कौन रह गया, मीर मदान और मोहनलाल। यानी ये नवाब के क्या थे, तो ये नवाब के विरोधी थे। और नवाब के पक्ष में कौन था, मीर मदान और मोहनलाल। जब तक ये जीवित थे तब तक नवाब सुरक्षित था, और इनके जीवन के समाप्ति के बाद ही नवाब षड्यंत्र का शिकार हुआ। नवाब पराजित में शब्द नहीं कहूंगी, नवाब षड्यंत्र का शिकार हुआ। अब क्या हुआ, ये तीनों किसके साथ, ये तीनों अंग्रेजों के साथ। अब युद्ध हुआ, सवाल पूछा जाता है आपके हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, और यही सवाल आपसे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है। कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ कब हुआ, 23 जून 1757 को हुआ। कहां हुआ, भागीरथी नदी के किनारे हुआ। ये सवाल आईएएस में भी पूछा गया है, कुछ लोगों ने प्लासी नदी पे टिक लगाया था। भागीरथी नदी के किनारे हुआ, मुर्शिदाबाद एक बार ऑप्शन में पूछा गया था, मुर्शिदाबाद के दक्षिण में लगभग 22 मील दूर नादिया जिले के पास हुआ। प्लीज जितने वर्ड्स में नोट करा रही हूं उसे नोट कर ले, ये सब क्वेश्चन है। 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नादिया जिले के प्लासी नामक स्थान पे हुआ। इसलिए ये क्या कहलाता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, और हुआ वही, षड्यंत्रकर्ताओं की जीत हुई, नवाब हार गया। इसका मतलब भारत में अंग्रेजों की स्थिति थोड़ी सी आपको दिख गई होगी कि किस प्रकार ये मजबूती धारण किए हुए। यानी 1757 प्लासी के युद्ध ने क्या दिखा दिया कि अंग्रेजों को समझा दिया कि भारतीय जो भारत बहुत समृद्ध है, जो भारत दूर से बहुत मजबूत दिखता है, वो मजबूत नहीं है, तो खंडों में टूटा हुआ भारत है, क्षणिक मात्र की देर है, भारत मेरा होगा, उनको समझ में आ जाता है। लेकिन अभी भी अंग्रेज स्वतः इस बात को जान रहे थे कि हमने इस युद्ध को षड्यंत्र करके जीता है। इसके बाद एक घटना और घटती है, इसके बाद एक घटना घटती है 22 अक्टूबर 1764 को, शायद डेट में कुछ प्रॉब्लम है।
22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और इधर कौन था? अब इधर का देख लीजिए और अब आपको समझ में आ जाएगा कि इस दौरान भारत की कंडीशन कितनी खराब हो गई होगी। बंगाल का नवाब मीर कासिम, एक तरफ हेक्टर मुनरो अपनी सेना के साथ है, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउदौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बाईस अक्टूबर 1764 को जो घटना घटी उसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कैसे हुआ? तो एक तरफ ब्रिटिश सेना हेक्टर मुनरो अपनी सेना के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ तीन महान धुरंधर, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए। क्योंकि उस दौरान एक शब्द कहा गया था जिसे टीपू सुल्तान समझते थे, जिसकी समुद्र पर पकड़ मजबूत होगी, यानी जिसकी नौसेना होगी, वही इस युद्ध को जीतेगा। और ब्रिटिशर्स इसीलिए मजबूत थे, भारत के लोगों को युद्ध करने का तकनीक नहीं पता था, इनके पास सारी आधुनिक तकनीकी थी। आधुनिक तकनीकी के साथ साथ ये षड्यंत्र भी रचना जानते थे, परिस्थिति को भी समझना जानते थे। हुआ वही 1764 बक्सर के युद्ध ने तो भारत की दुर्दशा और खराब कर दी, और इसी युद्ध ने संवैधानिक पुष्टि कर दी किस बात की कि अब हम केवल व्यापार नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? तो हम साम्राज्य भी करेंगे, हम राज्य भी करेंगे, साम्राज्य भी करेंगे, यानी हम संवैधानिक दृष्टिकोण से अपने को मजबूत समझेंगे। आपको ये चीज समझ में आई? अब देखिए आगे क्या हुआ। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई, यानी आप इसको कह सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि में क्या कहा गया अंग्रेजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की दीवानी दे दी गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब की दीवानी दे दी गई। अब इस शब्द को समझिए, एक होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। आप जहां से बिलोंग करते होंगे, अब समझ लीजिए, घर की लड़ाई, सड़क की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, नॉर्मल डेली 24 घंटे में न जाने कितनी लड़ाई है, चुंगी लगाना, शुल्क वसूल करना, फीस लेना, इस प्रकार की जितनी चीजें होती हैं यहां होती है, सिविल मैटर कहलाता है, सिविल मैटर कहलाता है, क्रिमिनल मैटर कहलाता है फौजदारी। ये कभी कभी घटना घटित होती है। आपने दीवानी दे दी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो तीनों इतने समृद्ध हैं, इसके लिए आप जान ही रहे हैं, खाद्यान्नों के लिए फेमस, यानी आपने वो चीज दे दी जो भारत को नरक की ओर ले जा रहा था। और आपने क्या कहा, आपको दीवानी का अधिकार है, यानी क्या करना है,
इन्होंने कहा चुंगी खुद निर्धारित कर लीजिए और चुंगी वसूल करके हमें दीजिए, चुंगी खुद निर्धारित कर लीजिए और चुंगी वसूल के हमें दीजिए। इसका मतलब जब मुझे चुंगी वसूलना है तो जहां अब तक इस राज्य की जनता सम्राट को 10 रुपए देती थी, अब 100 रुपया देना पड़ेगा। और अगर इस वर्ष किसी कारणवश फसल नहीं हो पाई तो ये आप पे कर्जा बना रहेगा, इसे अगली साल आप दीजिए। आपने देखा होगा लगान, इस वर्ष नहीं हो पाया फसल तो अगली बार दीजिए, हम लिखते चले जाएंगे। आप क्या है, आप मेरे कर्जदार हैं, याद रखिए आप मेरे कर्जदार हैं, यानी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। गलती किसकी, खामियाजा भुगत कौन रहा है, राज्य किसका हमारा, खेत किसका हमारा, जमीन किसकी हमारी, फसल किसका हमारा, बोएगा कौन, हम कौन सी फसल बोएंगे, निर्धारित कौन करेगा, ये कितनी उपज का हिस्सा किसको दिया जाएगा, निर्धारित कौन करेगा, ये कितना हमसे आप चुंगी वसूलेंगे, ये यानी हर चीज इनका, किस चीज पे, कार्य हम करेंगे फल इनका। याद रखिएगा यहां से भारत की दुर्दशा स्टार्ट होती, यानी अब जब इलाहाबाद की संधि के बाद इन्हें दीवानी मिल गई, अब देखिए क्या कहानी पलटा है। दीवानी मिलने के बाद चूंकि सरकारी कर्मचारी थे, इनका वेतन तो फिक्स था, और ये वही व्यापारी थे जिन्हें व्यापार करने का तरीका पता था, जिन्होंने अपना एक व्यापारी संगठन बनाया था। अब ये कंपनी में ना जाकर इन क्षेत्रों में चुंगी वसूलते थे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लूट खसोट करते थे, याद रखिएगा इस बात को। ये कंपनी नहीं जा रहे कर्मचारी क्योंकि कंपनी का तो वेतन फिक्स है, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि कंपनी का मालिक तो बहुत दूर बैठा है, और यहां युद्ध हमने जीता है, सम्राट हमें जानता है, सम्राट की जनता हमें जानती है, यानी मालिक कौन, हम, गवर्नर, गवर्नर जनरल मालिक। यही कारण था कि गवर्नर जनरल इतना मजबूत था कि गवर्नर जनरल के लिए 1919 के अधिनियम में कहा जाता था भारत में गवर्नर जनरल राज्य और शासन दोनों करता है, राज्य और शासन दोनों करता है, जबकि अमेरिका का शासन करता है राज्य में, ब्रिटेन का राज्य कर सकता है, ब्रिटेन का राज्य कर सकता है शासन नहीं, लेकिन गवर्नर जनरल भारत में राज्य भी कर रहा है शासन भी कर रहा है, और वही हुआ। ये कर्मचारी वेतन फिक्स था, कंपनी नहीं जाते थे, और लूट खसोट करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन उगाही करते थे, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में धन मिल जाता था तो ये अपने देश लौटते थे, ये ब्रिटेन जाते थे। इधर क्या हो रहा है, इन क्षेत्रों में लूट खसोट करके कर्मचारी यानी व्यापारी संगठन जो थे, व्यापारी कर्मचारी, ये तो अमीर हो रहे हैं, कर्मचारी अमीर हो रहे हैं, और कंपनी क्या हो रही है, कंपनी घाटे में जा रही है, कंपनी घाटे में जा रही है, कर्मचारी अमीर हो रहे हैं। और यही कारण हुआ कि जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो कंपनी ने क्या किया, और अब क्या हुआ इसके बाद, जब यहां से लूट खसोट करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन लूट के ये ब्रिटेन जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, वहां की जनता इन्हें देख रही है, तो जनता ये कह रही है कि आप तो बताते हैं कंपनी घाटे में है, कंपनी घाटे में है, जब कंपनी घाटे में है तो ये इतना पैसा लेके कैसे आ रहे हैं, आप इसके एकाधिकार को समाप्त करिए और हम लोगों को भी व्यापार करने का अधिकार दीजिए। वहां जनता की मांग बढ़ने लगी और रोज सदन में इस बात पर क्या हो रहा है, बहस हो रहा है। और ये अपने साथ जाते समय धन तो ले जाते थे, साथ में एक पत्र ले जाते थे और कहते थे कंपनी घाटे में, इसलिए कंपनी को कुछ ऋण दे दिया जाए, कंपनी को कुछ ऋण दे दिया जाए जिससे कंपनी को उठाया जा सके। अब समझ लीजिए उस दौरान ब्रिटेन में क्या कंडीशन चल रही होगी, भारत की कंडीशन किस तरह चल रही है, ब्रिटेन में क्या चल रहा होगा। अब क्या हुआ है, उस दौरान ब्रिटेन में जनता और सदन दोनों में हाहाकार मचा है, और दोनों ने एकाधिकार जो था व्यापार का उसको समाप्त करने की बात कही है, एकाधिकार खत्म करके सारे व्यापारियों को अधिकार दे दीजिए कि वो भी जाकर भारत में व्यापार करें। तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने इसके लिए एक गुप्त समिति बैठाई, गुप्त समिति बैठाई और गुप्त समिति को इन्होंने जांच के लिए आदेश दे दिया।
गुप्त समिति ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट देने के बाद इन्होंने बताया कि कंपनी के कर्मचारी खिलवाड़ कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? तो कंपनी के कर्मचारी कंपनी में तो जाते ही नहीं है, ये तो भारत के अन्य क्षेत्रों में धन उगाही करते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अमीर होने के लिए कार्य करते रहते हैं। कंपनी के नुकसान से इन्हें कोई मतलब नहीं है। जब ये रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट आई, तो अब क्या हुआ, लॉर्ड नाथ ने इस रिपोर्ट के आधार पर एक प्रतिवेदन पारित किया और क्या कहा कि अब इस कंपनी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब इस कंपनी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इसलिए कंपनी को नियंत्रण में लाने के लिए ही पहली बार 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्या था ये? तो ये कंपनी पर नियंत्रण का राजलेख था जिसे चार्टर एक्ट कहा गया है। कंपनी पर नियंत्रण का राजलेख था जिन्हें चार्टर एक्ट कहा गया है और इसके द्वारा पहली बार भारत ने एक लिखित रिपोर्ट आई। किसके लिए आई? कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए आई। और यही कारण है कि यहां आप कह सकते हैं कि पहली बार संविधान की पृष्ठभूमि यहां दिखती है। सत्रह सौ तिहत्तर के चार्टर एक्ट के द्वारा दिखती है, जो कि कंपनी के कर्मचारियों के नियंत्रण के लिए आई। और यही चार्टर एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट थी, भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी। 1773 के बाद 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 आएगा, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1947, यानी इतने अधिनियम धीरे धीरे पारित होते रहे। शुरू के कुछ तो कंपनी पे नियंत्रण के लिए आते रहे और उसके बाद भारत शासन के लिए आते रहे। 1858 से भारत शासन के लिए यानी भारत के लोगों के भी शासन के लिए, कंपनी को सुधारने के लिए नियंत्रण बढ़ते गए और यही धीरे धीरे भारत के लोगों की मांग बढ़ती गई। 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के कारण क्या हुआ, आगे चल के कांग्रेस की नियुक्ति हुई, लोगों ने स्वराज की बात की, इस प्रकार ये क्या होता गया, तो ये अधिनियम धीरे धीरे बढ़ते गए और ये स्वतंत्रता विधेयक की ओर बढ़ गए। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, 1919 से 1947 के बीच यानी बीच में जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, जहां मैंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 में 250 अनुच्छेद एजीटीज यहां से उठा लिए गए, हम इस पर से लेके कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन पे चर्चा कल करेंगे। अगली क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और चीजों के नोट्स आपको अवेलेबल होते रहेंगे, क्वेश्चंस भी दिए जाते रहेंगे। आज केवल और केवल हमने एक कोशिश मात्र इतनी की कि आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ में आए कि वास्तव में इस संविधान की लड़ाई के लिए हमने कितने सदियों से जो अपनी मांग रखी, जो विद्रोह किया, जो हमने आंदोलन किए, वो क्या था, किस प्रकार उसकी पृष्ठभूमि बनी, कैसे यूरोप भारत में आता है व्यापार करने, और किस प्रकार के कौन कौन से युद्ध के माध्यम से, कौन सी संधियों के माध्यम से वो यूरोप भारत में व्यापार के रूप में
गठित ना होकर एक साम्राज्य के रूप में गठित हो जाता है और भारत पर शासन करता है। ये चंद मुट्ठी भर यूरोपी भारत में व्यापार करने आते हैं और यही चंद मुट्ठी भर यूरोपी भारत में अपना राज्य बना लेते हैं और भारत को 250 वर्षों से भी अधिक समय तक गुलाम बनाए रखते हैं। इसलिए मैंने कोशिश यही की कि आपको एक मोटा मोटी जानकारी हो जाए जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि वास्तव में भारत और यूरोप की उस समय कंडीशन क्या था। भारत को उसमें बुलियन कंट्री कहा जाता था, बुलियन कंट्री, जो आज हम बिलियन शब्द यूज करते हैं। क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि प्राकृतिक रूप से इतना मजबूत था। लेकिन फिर याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से मजबूत भारत मगर वैचारिक रूप से कमजोर भारत, प्राकृतिक रूप से कमजोर यूरोप लेकिन वैचारिक रूप से मजबूत यूरोप, बस फर्क यही था भारत के गुलाम होने का। तो मेरी कोशिश इतनी थी कि आपको चीजें समझ में आए और मुझे लगता है आपको चीजें समझ में भी आई हैं। आगे कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, 1935 के भारत शासन अधिनियम पे चर्चा होगी, क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन पे चर्चा होगी, अगस्त प्रस्ताव को भी देखेंगे क्योंकि यही सब पृष्ठभूमि हमारे संविधान की मजबूती प्रदान करते हैं। इसके बाद हमने बताया आपको कि चिंतक के दो चैप्टर उठाएंगे तो चलते चलेंगे, यानी प्रक्रिया क्रम चलता रहेगा, कहीं रिदम टूटेगा नहीं और हमारे सिलेबस कवर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज आपकी क्लास कुछ आपको ठीक से समझ में आई होगी। शुक्रिया।